मोटे वैसे देखा जाए ना तो अभी अपना शोरूम एकदम मस्त चल रहा है। हाँ यीशु भाई ये तो है, किसी की बात नजर ना लगे। अरे ऐसे कैसे लगेगी बादशाह, बस तेरे को पता है अपन चला रहे कैसे लग जाएगी, बाकी जलने वाले लोग बहुत हैं यार। हाँ यीशु भाई लोग को काम है जलना, आप तरक्की करोगे लोग भाई जलेंगे, और जब तक लोग जलेंगे नहीं ना आप तरक्की नहीं कर पाओगे ना यार। हाँ ये तो है यार। ये चाचा किधर है? बाहर है वो, क्या पता साला। और सुनाओ यीशु भाई, फिर शानाशे कब बात कर रहे हो, कब लेके जा रहे हो डेट पे? अबे इतनी जल्दी थोड़ी मेरी जान, मेरी तो खुद अभी फट रही है, अभी तो इतनी बातचीत भी नहीं, इतनी जल्दी कहाँ से ले जाऊंगा उसको मैं। अबे भाई बोलो उसको लेके जाओ, कुछ नहीं होता यीशु भाई। अरे नहीं यार इतनी जल्दी नहीं यार जानू, पता नहीं ये ना होना यार, बुरा ना मान जा। अबे पागल हो गए, बोल के तो देखो, तुमने वैसे भी तुमने आके मुझे बताया कि तुमने उसके मुंह पे बोल दिया तुम खूबसूरत, आप इतनी खूबसूरत है। हाँ तो अबे वो यकीन कर मोटे, फिलो फिलो में बातों बातों में मुंह से निकल गया, लेकिन जब वो निकला ना मुंह से मेरी इतनी फटी, इतनी लुबलुब हुई। फिर क्यों? मैंने बोला पता नहीं अगली बंदी ये ना बोल दी यार, ये लाइने मार रहा। हाँ ये भी यार वो गलत ले जाती है। हाँ ना यार, लेकिन अगली ने कुछ बोला नहीं उसको, मैं ना मेरी बात अच्छी लगी यार। जब ही तो बोल रहा हूँ यीशु भाई, उसे पूछ के देख लो। मेरी जान अगर अगली बार कभी मुलाकात होगी ना फिर मैं उससे बात करता हूँ, ऐसे बहाने बहाने से बोल दूंगा। हाँ ये भी है। ये बताओ अच्छा पिकनिक पे कब जा रहे हैं? ये तुम्हारे चाचा बताएंगे, हम लोग भी शोरूम के काम में लग गए तो हम उनसे पिकनिक का बोल ले रहे। उनको आने दो फिर उसे पूछेंगे। हाँ उसको पूछना जरा, ये हरामी बहुत हरामी है। वैसे अंदर ही गई होगा ये। आया है क्या वो? हाँ ना, कब क्या आगे तुम्हें पता नहीं है? मेरे से मिला नहीं ना वो आगे। चल मैं उसको अंदर देख कर आता हूँ, जरा सब पूछ कर आता हूँ साले से। ओके यीशु भाई। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अबे कुछ नहीं उठो भाई, इधर हम लोग आपस में इतने दिनों बाद खड़े हुए तो हमने सोचा थोड़ी पुरानी बातें तो टाटा कर ले। कौन सी बातें? यूसुफ भाई ये मेरे तो पार्टी की बातें कर रहे हैं, मेरे तो पूछ रहे थे कि यार वो कितने कितने अच्छे थे ना, धान के बच्चे बनो वो दिन अच्छे थे कि ये दिन अच्छे? नहीं नहीं यूटू भाई, जब उस वक्त की बात कर रहा हूँ, जब वो वक्त था तो वो वाले दिन अच्छे थे, अभी ये वाला वक्त है तो ये वाले दिन अच्छे। हाँ ये भी है, तुम काम पे ध्यान दो दोनों। अबे भाई किसके काम पे ध्यान दूँ, कस्टमर ही नहीं है। अंदर जाओ ना तुम, देखो फिर मैं तुम्हारे ऑफिस में जाऊँगा, तुम बोलोगे मेरे ऑफिस में नहीं घुसो मेरे भाई। हाँ सही है, तुम यहीं खड़े रहो। चाचा किधर? वो वहाँ काउंटर पे खड़ा हुआ, तुमने कल उसको डांटा था ना कि वहाँ से हिलना नहीं, तो वो आते ही वहीं खड़ा हो गया। ये चीज साले से बात करके आऊँ अभी। कौन थी बात? चुप करो अभी। चाचा आमे के बेटे क्या हुआ, उदास लग रहा? कुछ नहीं यार, अपने काम से काम रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं, वरना लोग बातें करते ना यार, काम नहीं करता, ये नहीं खट्टा वो नहीं खट्टा, लोगों के ताने सुनने की हिम्मत अब मेरे अंदर नहीं बची मेरे बेटे। तुम कौन से ड्रामे देख रहे हो आजकल? ड्रामे तो कोई सब नहीं देख रहा यार, कोई नया ड्रामा आया तो बताओ ना यार। आतिफ असलम का आया। अच्छा आतिफ असलम का ड्रामा आया, चलो देखेंगे। छोड़ो, अच्छा बोलो मेरे बेटे, ये बताओ तुम पिकनिक पे कब लेके जा रहे हो? अरे कौन से पिकनिक, मैंने तो तुम लोगों को बोला था, तुम लोगों ने मेरे को आगे से जवाब ही नहीं दिया यार। अबे भाई कोई अच्छी जगह पे चलो, देखो ना तुम लेके जाओगे हम थोड़ी लेके जाएंगे। अच्छा ये भी मैं देखूँ? वाह भाई वाह, ये भी मेरे शर्ट पे तुम लोगों ने फटिक मार दी यार, अब मैं किधर देखूँ यार ये फटिक सिलसिले वगैरह, मेरे को तो तुम लोगों को पता पिकनिक का आइडिया नहीं है घटा भी, तुम लोग देख लो मैं तुम लोगों को ले चलूंगा यार, जितना पैसा लगे दे देंगे यार, अब क्या करें मर जाएंगे किसी दिन, जो पैसे का कबर में लेके जाएंगे यार। मैंने सोचा इन गरीबों को खाना वाना खिला के और तुम लोगों को पिकनिक दे देता हूँ यार। हम तुम्हें गरीब नजर आ रहे हैं। अरे गरीबों को खाना और तुमको पिकनिक, दोनों बातों में बहुत फर्क है मनुष्य के बच्चे। अनिटो अच्छा ना, मैं देखता हूँ कोई जगह पर चलते हैं, मैं बोलता हूँ अगले हफ्ते चलते हैं। ठीक है मेरे बेटे चलते हैं अगले हफ्ते चलते हैं। वैसे तुमने पिछली बार भी यही बोला था कि अगले हफ्ते चलते हैं, अब अगले हफ्ते तुम अगर नहीं गए ना तो फिर मैं खर्चा नहीं करूँगा, तुम लोग ही करना मेरे बेटे, ये आखिरी ऑफर है तुम लोग के लिए, समझे मेरे बेटे? हाँ समझ गया मैं। और हिलना नहीं आता? अरे नहीं हिलना ना यार, तूने कल फरूर में सबके सामने कस्टमर के सामने मेरे को झाड़ दिया यार, क्या इज्जत रहेगा यार मेरी? अबे तो तुम हरकतें ऐसी करते हो तो नहीं करा करो ना। मैं हरकतें करता हूँ? तुमने मेरे को बोला कि तुम शोरूम के बाहर वाला एरिया संभालो, तो ये बाहर वाला एरिया काउंटर कौन संभालेगा? कल को कोई कस्टमर आके यहीं से पूछताछ करेगा ना, ये दरवाजे से घुस के? हाँ यार वो मेरी गलती है, सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, चिल्लाया नहीं करो यार मेरे पे, मेरी भी कोई इज्जत है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। तुम्हारी और इज्जत मनुष्य के बच्चे तेरे से तो ज्यादा ही है, निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो ऐसे बॉस मेरे। चुप हो जा, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं। तो बोल लो फारूक भाई, तुम हमारे भाई भी ऐसे थे, क्या हो गया? कुछ नहीं, हमारे बड़े भैया की तारीफ है, सुनो यूसुफ भाई से भी। हाँ भाई सुना। यूसुफ भाई इनके बड़े भैया इतने नेक बंदे थे, तुमको क्या बताऊँ? नहीं बता फिर। अबे सुन तो लो। सुनाओ सुना ना।
सुना रो ना, इन एक दफा तो क्या हुआ यूसुफ भाई, हमारी पार्टी पे जो है ना हमला हो गया। किसका? वो दूसरी पार्टी वालों का। फिर बता, हमारे बड़े भैया कैसे रॉकेट की तरह आए थे? मतलब? अबे मेरे भाई हवा से उतरे रॉकेट की तरह, ढूंढ 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 सबको भूनते हुए चले गए। नहीं करते रे भाई, के छूथड़ों में क्या रॉकेट लगा था? अबे यूट्यूब भाई क्या बात नहीं कर रहे? नहीं ना यूसुफ भाई, वो ना पता नहीं क्या लगा कर आए थे, बस क्या बोलते हैं उसको, पेट पैक, जेट पैक। वही 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 लोग होकर आए थे वो, उन्होंने आते सबों को मारी और दो गोलियां तो उनकी गांड पे भी लगी थी। अबे हाँ भाई, यकीन मानो बैठा नहीं जा रहा था उनसे, यकीन करो यूट्यूब भाई, एक हफ्ते तक तो वो बैठे ही नहीं थे। अच्छा, फिर खड़े रहे? अबे हाँ भाई, खड़े होके सोते थे, खड़े होके खाते थे, खड़े होके हंसते थे। उनकी तो टांगे गंदी हो जाती होंगी। अबे ये तुम यार फजूल बातें करते हो, तुम्हें ही बोल लो, जब खड़े होके आ गए हैं तो टांगे तो गंदी होंगी ना। अबे जाओ भाई, तुम तो बात करने के फजूल है मेरे भाई। नहीं तो कस्टमर ही नहीं आ रहे भाई। आएंगे आएंगे, यहीं खड़े रहो। नहीं तो अबे ये किसका फोन आ रहा? अरे सना का फोन, मोटे मोटे मोटे। हाँ यीशु भाई, सना का फोन आया। सना का? सच में? हाँ मोटे, उठाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम यीशु, किधर हैं आप? मैं शोरूम पे हूँ जी। आप बताएं कैसे फोन किया, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन एक मसला हो गया मेरे साथ। जी बोले हो, यूसुफ हाजिर है, आप हुक्म करें। आपने जो गाड़ी दी थी ना, वो जो है ना थोड़ी सी ना मतलब ख़राब हो गई है, मुझे नहीं पता उसमें क्या मसला हुआ है। और लेकिन मैं जो है ना अभी यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी पे खड़ी हुई हूँ, तो आपने देखी भी है ना? हाँ मैंने देखी, क्यों नहीं देखी? मैं वहीं खड़ी हुई हूँ, लेकिन स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन बहुत सही चल नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ख़राब ही हो गई है। अच्छा मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आके देख लेता हूँ, आप बस मुझे 10 मिनट दें। चले सही, आप जल्दी आ जाए, मैं वहीं खड़ी हूँ, मेन गेट से आइएगा, वो दूसरे वाले से। सही है? ओके ओके ओके, मैं पहुँच रहा हूँ बस। मोटे? हाँ यीशु भाई। मोटे सना की गाड़ी ख़राब हो गई यार। है सच में? कैसे? मेरे को क्या पता, तू गाड़ी चेक करके नहीं लाया था क्या? अबे यीशु भाई, A to Z चमकती हुई गाड़ी थी, कैसे ख़राब हो गई वो? मेरे को नहीं पता, उसका फ़ोन आया, वो यूनिवर्सिटी पे खड़ी हुई, बोल रही उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, चला उसको लेकर आए यार। अबे ऐसे कैसे ख़राब हो सकती है भाई, उसी ने कुछ मसला करा होगा। चल के देखते ना, आ जा। चलो। अच्छा बेटा, मिलने के मौके तो मिल लें। ओए मेरी बात सुनो तुम लोग। बोलो यूट्यूब भाई। मैं जा रहा हूँ जरा एक काम से, तुम लोग जो है ना शोरूम पे रहना, आधे घंटे में आ रहा हूँ। ओके यूट्यूब भाई, परेशान नहीं हो, शोरूम का भी हमारे हवाले भी छोड़ो, देखो कितना ऊपर पहुँचाते हैं। बेटा ऊपर ही पहुँचाना है ना, तुम लोग और कुछ नहीं सोचना। अबे मेरे भाई, कमाई की बात कर रहा हूँ। चला जा, संभालना। ओके ओके यूट्यूब भाई, बेफिक्र रहो। आजा मोटे। चलो यीशु भाई, हम दोनों क्यों जा रहे हैं? अरे चलना, आ जाना यार। देखा, नसीब में ही लिखा है मिलना, आज गाड़ी खराब हो गई तो फिर मिलने जा रहे हैं। बिना मुझे लग रहा है तुम्हारे नसीब में कुछ और भी लिखा हुआ है। बस बस, ज्यादा होशियार नहीं बनो, यूनिवर्सिटी में BMW से एंट्री मारेंगे। हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है उस यूनिवर्सिटी में जो है ना थोड़े बहुत भरम बनाने पड़ेंगे। क्यों यीशु भाई? हेलो, कल को मैं उसको लेने जाऊंगा यूनिवर्सिटी से, लोग देख के तो हिलेंगे, अबे भाई यूसुफ बादशाह आए, ऐसी बातें करेंगे लोग। अबे यूसुफ भाई छोड़ो, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के भरम छोड़ो, उसको पटाओ बस तुम। अरे पटा तो रहे हैं, 50% तो पट गई है बस। यूसुफ भाई मैं तो बोल रहा हूँ शायद तुम डेट की बात कर ही लो। अरे नहीं जानू यार, इतनी जल्दी नहीं। अबे यूसुफ भाई कर लो, कुछ नहीं होगा भाई। अरे नहीं यार, मेरे में हिम्मत नहीं यार, पता नहीं अगली बंदी बुरा ना मान जाए। तुम डेट का नहीं बोलो ना। तो फिर क्या बोलो? तुम बोलो ऐसे मतलब डिनर विनर का कहीं। अबे यार मेरी फट रही है यार मोटे। अबे भाई जहाँ से ज़्यादा क्या होगा, चमार थोड़ी मारेगी वो तुम्हें, तुमने मना कर देगी बस। फिर भी यार मना करना भी कोई इज्जत जाने से ज़्यादा अच्छा थोड़ी है, ऐसा लगता किसी ने इज्जत लूट ली यार। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं तुम पहले बहुत दफ़ा लड़कियों को बोल चुके हो। हाँ बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। हाँ हाँ ना। अबे तुमने लड़कियाँ कब पटाई? पटाई तो नहीं है, डायरेक्ट ही बोल देता था। अबे अजीब हो तो पटा के बोलो ना यूसुफ भाई, इसको अगर पटाना है तो इसको देखो लड़की को इज्जत देनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसकी सुननी पड़ती है थोड़ी। ए मोटे तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। अबे मतलब मैंने यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत दिन गुजारे हैं ना, मुझे पता है मेरे दोस्तों की थी ना बच्चियाँ। अच्छा बे यार मोटे, लेकिन मेरी फट रही है यार, ये बुरा ना मान जाए यार। अबे कुछ नहीं होगा भाई, तू आज ही बोलेगा और रात में उसको डिनर पे लेके जाओ। आज ही बोलूँ और आज ही रात में ले जाऊँ? हाँ तो बाकी सब सेटिंग मैं कर लूँगा। तू क्या सेटिंग कर लेगा? अबे डिनर विनर की। तो मेरे को क्या कंजूस समझा भाई तूने? अबे कंजूस की बात नहीं यूसुफ भाई, मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि जगह किधर करनी है किधर नहीं करनी वो सब मैं देख लूँगा। अच्छा अबे वो तो मैं खुद भी देख लूँगा। अबे तुम नहीं देख पाओगे, तुम बस उसको जो है ना जल्दी से पटा लेना यीशु भाई आज। अबे यार मोटे मैं कोशिश करता हूँ यार।
अबे भाई कोशिश वोशिश नहीं, तुम आज उसको पटाओगे, बस ये फाइनल है। मैं पटाऊंगा आज, तू बोल रहा डिनर पे भी लेके जाऊं, डेट पे भी लेके जाऊं, पटाऊं भी और आज रात में ही लेके जाऊं। मतलब आज उसको डिनर पे ले और डिनर पे ले जाके उससे दिल की बात कर देना। अच्छा अबे गाड़ी तो ये खड़ी हुई, ये खुद किधर है? बावली। अबे बावली कहाँ है? बावली एक तरीके से। अबे तेरी गाड़ी में तो धुआं निकल रहा है मोटे। अबे बजा दी भाई इसने, इसको चलानी भी आती है। बोल रही थी 4 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस है 4 साल का? ये लड़की है ना यार, लेडीज तुम्हें पता है कैसे चलाती हैं। लेकिन सारी ऐसे थोड़ी चलाती हैं यार, ये क्या रेस लगा के लाई है क्या? लेकिन ये है किधर? किधर है ये? अबे वो खड़ी हुई किधर? वो पेड़ के नीचे। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, आ गए आप? जी जी बिल्कुल, वो मैंने आपकी गाड़ी देख ली, उसमें से धुआं निकल रहा है। हाँ पता नहीं क्या हो गया उसको, मैं कब से देख रही हूँ, बहुत मतलब स्टार्ट वो हो रही है, उसमें तो ना अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, और जो है ना उसमें तो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो आप क्या ये मतलब कैसे चलाई आपने? अस्सलाम वालेकुम शना बाजी। वालेकुम सलाम जिमी, कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो चले हम लोग उधर चल के गाड़ी देख लेते हैं। एक काम करें आप यहीं खड़ी हैं, मैं गाड़ी चेक कर गया। नहीं नहीं मैं भी साथ चलती हूँ ना। नहीं 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 ना, आप मत कहाँ धूप में खड़ी होगी, मैं देख लेता हूँ ना। अरे कोई बात नहीं चले, वैसे मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में मैं ऐसे ही धूप में ही घूमती हूँ। अच्छा चले आ जा। ऐसे मुझे लग नहीं लगे, पता नहीं गाड़ी बिल्कुल ओके थी। हाँ गाड़ी बिल्कुल सही थी, मैं बस अभी ना निकली हुई थी, मैं ड्राइव करके आई हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ खड़ी करी और मैंने देखा कि इसमें तो धुआं निकल रहा है। अच्छा चले मैं देख लेता हूँ इसको, इसमें मसला क्या हुआ है। खोलो ईशु भाई। खोल लो जान। अरे माशाल्लाह भाई सना, कैसे चलाई आपने गाड़ी? थोड़ी स्पीड में चला थी मैंने ना, दरअसल अपनी फ्रेंड को भी दी थी, तो वो पता नहीं शायद उसकी वजह से कुछ हुआ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने निकली हुई थी, तो बस जब ही हो गया ये। मोटे मेरे को तो इसका काफ़ी है, सीरियस कंडीशन लग रही है। हाँ ईशु भाई सीरियस कंडीशन मतलब? मतलब इसके ना मतलब कुछ तो हो गया बड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ये धुआं मार रही है ना, गर्म भी बहुत हुई है गाड़ी। कितनी स्पीड में चला लिया आपने? मैंने नहीं चलाई, मैं तो स्लो चलाती हूँ, मेरी फ्रेंड ने मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड में चला दी थी, उसको मैंने मना भी किया था कि मैंने अभी रिसेंट ये खरीदी है। अब क्या करें ईशु भाई? बटे सेट तो हो जाएगी यार। आप इसका मोटा क्यों कहते हैं, इतना अच्छा नाम है इसका जिमी। अरे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिगरी, तो जिगरी में आपको पता है अलग अलग नाम रख देते हम लोग। ये बात भी सही है। आना। थैंक यू सना। अरे कोई बात नहीं जिमी। अभी एक काम करते हैं जिमी। जी ईशु भाई तू एक काम कर, अगर मैं गाड़ी इसको वर्कशॉप ले जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं है शोरूम? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आप इसको रिपेयर करके डिलीवरी दे दें। हाँ एक काम करते हैं जिमी, तू जो है ना इसको शोरूम ले जा। लेकिन ये चल रही है? जी जी चल तो पूरी रही है, आप बैठ के देखें। हाँ मैं बैठ के देख लेता हूँ एक बार, देखूँ ज़रा क्या मसला कर लिए। बटे बाहर से देखे होगा, रेडिएटर लीक हो तो बताइए। ओके ईशु भाई। अरे भाई ज़बरदस्त आवाज़ ही फुल आ रही है इसमें से, तो मीटर भी लाइट बत्ती दे रहा है। बंद हो गई। क्या हुआ ईशु भाई? बंद हो गई जानो। क्या हुआ? सेल्फ छोड़ रही है यार, सेल्फ छोड़ रही है। अब क्या करें ईशु भाई? नहीं नहीं शोरूम तो चली जाएगी, सेल्फ छोड़ रही है बस, मतलब वैसे बंद नहीं हो रही, वायरिंग वायरिंग का भी कुछ मसला हो गया। एक काम कर तू इसको जो है ना लेके जा शोरूम, और मैं सना को जो है ना उनके घर छोड़ के आ जाता हूँ, सही है? मैं आपको छोड़ दूँ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। आप वैसे ये कब तक रिपेयर हो जाएगी? ये तो अभी शोरूम पहुँचेगी तो मैकेनिक चेक करके बताएगा कि कितना टाइम लगेगा इसमें। चल सही है, ये भी बेस्ट है। बटे सही है। ओके ईशु भाई जैसा तुम कहो। ईशु भाई आज बात कर लेना। हाँ तू ना जा यहाँ से। कौन सी बात? नहीं नहीं वो हमारी अपनी बात है ना, सॉरी। चले चले कोई बात नहीं, तू जा यहाँ से, सही है? ओके ओके ईशु भाई मैं जा रहा हूँ, आप जाओ। ओके आ जा सना। चले ओके जिमी, अल्लाह हाफिज। अरे आप पीछे कहाँ बैठ गई, आगे बैठ जाती? क्यों पीछे बैठने से कोई मसला है? नहीं नहीं मसला तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं ड्राइवर हूँ आपका। तो बन जाए आप ड्राइवर। हैं मतलब? नहीं कुछ नहीं, मैं शोरूम चला रहा हूँ और मैं ड्राइवर की जॉब करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
हाँ ये मुझे जो है ना गिफ्ट में मिली थी। अच्छा इतना महंगा गिफ्ट किसने दे दिया आपको? ये जिमी है ना? जी जी इसके वालिद साहब ने। अच्छा इनके वालिद साहब कौन है? वो नहीं है माइकल। हाँ हाँ वो। लेकिन वो तो खुद रैंड के घर पे रहते। मतलब वो आपके चाचा नहीं है? जी जी उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने घर दिखाया था कि बोल लेते कि ये इनका रैंड का घर है। नहीं नहीं पूरे लॉस सैंटोस का अमीर तरीन आदमी है इसके बाप। अच्छा हाँ उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे दी थी वो मुझे मतलब ना वो मैं उनके काफ़ी ज़्यादा काम वाम भी करता हूँ ना तो बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा जी जी चले ये आज फिर आपकी कज़न सिस्टर बाहर खड़ी हुई है ये ऐसी बाहर खड़ी रहती है क्या? ये ऐसे ही ना दरअसल सिगरेट पीती है और ये मुझे बहुत गंदी लगती है। चीप मेंटालिटी के लोग नहीं होते? हाँ वैसी है। तो आप लोग इसको समझाते नहीं है? अरे क्या करें बस हमारे ना मेरे जो फादर है ना उन्होंने इसको सर पे बिठाया हुआ। अरे हाँ छोड़े इग्नोर करें आप तो नहीं पीती ना सिगरेट? अरे नहीं नहीं तौबा तौबा मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ। आप पीते हैं सिगरेट? नहीं 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 सिगरेट सिगरेट पीने वालों से तो मुझे सख्त नफरत है। मैं तो उनकी क्या कहते हैं इंतकाल में ना जाऊँ। अच्छा हाँ अच्छी बात है लेकिन ये अल्फाज यूज नहीं करें आप। सॉरी सॉरी चले फिर मैं चलूँ। चलें कहाँ चलना है? मेरा मतलब कि मैं जाऊँ। हाँ हाँ ऐसे एक बात बताऊँ? जी बताएं। आप बताएं मुझे। जी पूछें। आप मुझे देख के इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं? अरे नहीं वो मैंने आपको बताया ना कि मैं मुझे ना लड़की से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वजह से ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा शाय बनता हूँ मैं। अच्छा 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 सही सही तो कोई फिर किसी मतलब कि क्या मतलब कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई मतलब देख लेना कोई लड़की अपने लिए। अरे वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। आपकी नज़र में है कोई? मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं। आपकी कोई फ्रेंड वगैरह या आप भी चलेंगे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। आपकी कोई फ्रेंड? नहीं नहीं मेरी सारी फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स और आपको पता पढ़ाई के बीच में शादी के मामले में कोई नहीं सोचता। हाँ ये भी है। ऐसे आपको एक बात पूछूं? जी पूछें। अगर मैं जैसे कोई लड़का जी कोई लड़की मतलब रिलेशन रखना चाहता हो उससे जी जी तो मतलब उससे किस तरीके से बात करें? सबसे पहले तो उससे उसकी पसंद पूछें। अच्छा फिर? फिर उसके बाद जो है उसे टाइम दे उससे बात करें उसकी हर बात माने। ये जो हर बात मानने वाला सीन है ना ये बस बुरा बाकी सब तो सेट है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मतलब ये है कि मतलब लड़के की भी अपनी थोड़ी लाइफ होती है ना उसकी भी कुछ मतलब कहते हैं ना अब मैं अपनी जबान में बोलूँ तो एक इज्जत। जी जी मतलब लड़का जो है ना सबकी सुन नहीं सकता कुछ अपनी मनवाता भी है ना तो वो लड़की वो होने नहीं देती ना सामने वाली तो इस वजह से लड़का चिढ़ता है बस। हाँ ये होता कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं। आप तो ऐसी नहीं है। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं वो कुछ नहीं कुछ नहीं। चलें फिर मैं चलूँ और कुछ पूछना? नहीं और क्या पूछूंगा मैं आपसे। सही है फिर अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जाएं? जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। फिर रुक गए? वो ना आपसे एक बात और पूछनी थी। जी पूछें। अच्छा अगर किसी लड़के को किसी लड़की को मतलब डिनर कराना हो तो उससे कैसे बात करें? कैसे बात करें मतलब वो लड़की उसे फर्स्ट टाइम मिले या मतलब तीन चार बार मिल चुके हो या उसकी गर्लफ्रेंड हो या कुछ और दोस्त हो? मतलब उसकी दोस्त हो जैसे कि आप मेरी दोस्त हैं। मैं आपकी दोस्त हूँ। मतलब हम लोग इतनी बार मिल चुके हैं तो दोस्ती हुए ना। हाँ चले सही है आपके मतलब किसी दोस्त को तो वो सीधा सीधा बोलते इतना शर्मा क्यों रहा है दोस्तों की तो मना कर देगी यहाँ से या तो हंस के टाल देगी। हाँ ये भी है लेकिन डर रहता है ना लड़के को कि वो सामने से थप्पड़ ना मार दे या बेइज्जत या जलील ना कर दे। नहीं नहीं लड़कियाँ सारी लड़कियाँ ऐसी थोड़ी होती हैं। आप तो ऐसी नहीं हैं। आप फिर घूम फिर के मेरे पर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। कहाँ पर? कहीं नहीं कहीं नहीं। कहाँ सबसे अच्छी बात बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं ना अभी बस नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं आप जाएं आप जाएं। नहीं नहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे बोले बोले। मैं कह रहा हूँ कि वो आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? किस खुशी में? नहीं नहीं ऐसे ही मतलब दोस्ती के लिए। अच्छा और कुछ?
नहीं, अगर आप नहीं चलना चाहती तो जैसे अभी आपने बोला लड़की मना कर देगी या हाँ कर देगी, तो वो आप जवाब दे दें। वैसे मैं आपको ऐसा समझती नहीं थी। मेरा मतलब मतलब क्या, कैसा नहीं समझती थी आप? मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरीके से बात करेंगे। अच्छा सॉरी सॉरी, वो ना दरअसल ना मुझे जिमी ने बोला था, वो बोल रहा था कि आज सना को बोल दो कि वो तुम उसको बोलो कि वो तुम्हारे साथ डेट पे जाए, ये जाए वो जाए, तो बस सॉरी अगर आपको बुरा लगा। लेकिन उसने जो भी कहा ना सही कहा है बिल्कुल। अच्छा तो इसका मतलब फिर आप चल रही हैं? नहीं नहीं फौरन तो नहीं। हाँ अच्छा, फिर जैसी आपकी मर्जी, आप जब बता दें। और अगर मैं सोच के जवाब दूँ? हाँ आप टाइम ले लें, टाइम ले लें आप, कोई मसला नहीं है। चलें सही है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाब का। सही है, ओके, उम्मीद है कि अच्छा जवाब मिलेगा। हाँ हाँ बेफिक्र रहे हैं, लेकिन इंतज़ार ज़रूर करिएगा। सही है, ओके ओके, चलें फिर मैं ना चलता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच यहाँ के छोड़ने के लिए। अरे नहीं कोई बात नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़। चल भाई तेरे भाई ने मोटे, तू बहुत आरामी है साले, तेरे को बहुत एक्सपीरियंस है अच्छी चीज़ों का साले। अभी तेरे को बताता हूँ, मोटे को फ़ोन करता हूँ। मोटा येरा 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 मोटा मोटे। हाँ यीशु भाई। मोटे तू साले बहुत आरामी है, बहुत एक नंबर का कंजर इंसान है तू। क्यों यीशु भाई ऐसा क्या हो गया, बड़े खुश लग रहे हो? अबे तेरे भाई ने बोल दिया उसको। नहीं कर यीशु भाई साले, मेरे को पता नहीं था कि तू बोलेगा। अरे मैंने बोल दिया उसको, लेकिन ना मेरी थोड़ी ना, मैं तेरे को आगे वहाँ आगे बताता हूँ ये क्या स्टोरी है। अच्छा आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं, बस आ रहा हूँ। आला आराम ही कहीं। अबे आओ तुम, आओ ना भाई, डाले किसी को पता नहीं चलने दे। अबे तुम बेफिक्र रहो यीशु भाई। चल भाई आज अब बस इसका मैं जवाब का इंतजार करूँ, इसके लिए बस एक जगह मेरे को ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे फुल कैंडल नाइट डिनर हो। कहाँ पर होगी ऐसी जगह, साला आज तक कहीं गया भी तो नहीं ना किसी लड़की के साथ। ये मोटे से ही पूछूंगा ये बात भी, इसी के पास कोई जुगाड़ होगी, इसी को पता होगा ऐसी जगह किधर होती है। या मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। आ भाई फुल हटो, आज तुम्हारा यूसुफ भाई बड़ा खुश है। अरे आज जाओ, आज तुमको नहीं मारूंगा, आज यूसुफ भाई बहुत खुश है, आज नहीं मारूंगा किसी को। चला 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 फुल 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 ड्रिफ्टे मारूंगा, आज तो बहुत खुशी है भाई। मेरी तो फटके लुभ लुभ हो गई जब इसने बोला ना कि यार आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने बोला ले भाई इज्जत के लग गए, लेकिन अगली बंदी समझ गई सारी बात है। ये ऐसी बंदी चाहिए समझने वाली, जो बोलने से पहले ही सब समझ जाए। हटो 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 पिपे पिपे हटो। हाँ पियो तुम लोग भी, आज किसी पे नहीं चिल्लाऊंगा, तुम लोग भी खड़ोगे सिगरेटें पियो। चलो साले मोटे को बताता हूँ। मोटे 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 मेरी जान। अबे गाड़ी ले आया मोटा। मोटे हाँ यीशु भाई, इधर आओ। अबे क्या हुआ यूट्यूब भाई? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो तुम। अच्छा भाई तुम तो पता नहीं तवे पे ना बैठे हुए होते हर वक्त गरम। इसको छोड़ो यीशु भाई, क्या हुआ? मोटे मैंने बोल दिया उसको। फिर ये कैसे बोला तुमने? मैंने पहले मैं घबरा रहा, मैंने उससे बातें कर रहा, मैं इधर उधर की। मैंने बोला अगर किसी लड़की को ऐसे बोलना हो ये वो, फिर उसने मेरे को तरीका बताया। मैंने बोला आप तो बुरा नहीं मानेंगे। फिर यीशु भाई फिर ना उसने बोला चले मैं चलती हूँ, फिर ना मैं गाड़ी में बैठने लगा, लेकिन मैं ठहरा भाई बोलने के आश्रय में तो बैठा हुआ था, वो समझ गए बोलिए रुके। फिर मैं रुका, मैंने बोला जी बोलिए आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। मैंने बोला नहीं 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 मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर यीशु भाई अबे बता रहा हूँ ना, फिर घर आ रहा। हाँ बताओ बताओ, पूरी बात सुन ली उसके बाद फिर बोलिए। ओके यीशु भाई। मैंने फिर उसको बोला कुछ नहीं, तो उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं आप कुछ बोलना चाह रहे लेकिन बोल नहीं पा रहे, आप मुझे बताएं उसके बाद ही जाइएगा। फिर मैंने उसको बताई पूरी बात, तो मैं उसने मेरे को बताऊंगा कैसे क्या बोला। मेरी तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बोल लो 10 सेकंड के लिए मेरी फट गई। मैंने बोला ले भाई इज्जत के लग गए। हुआ क्या ऐसा? मैंने उसको बोला कि आप चलेंगी मेरे साथ डिनर पे, तो उसने मेरे को बोला कि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखती थी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे। अच्छा फिर क्या, मेरे मुंह से मतलब फटीक में सब निकल गया कि जिमी ने मेरे को ऐसा बोला ये वो। अबे तुमने मुझे पछवा दिया। मैं पूरी बात तो सुन ले। मैंने उसको बोला कि जिमी ने मेरे को ऐसा बोला कि सना को बोलो यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ। फिर यीशु भाई उसने क्या बोला मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला उसने, ये बोला कि जिमी इसका मतलब सही बोल रहा था, और उसने मेरे को बोला कि सोच के बताएगी इतनी जल्दी नहीं। नहीं करो यीशु भाई, इसका मतलब वो राजी है ना? हाँ राजी है मेरी जान वो। अबे वाह यीशु भाई तुम्हारे तो मजा आ गया। इतना हरामियों में तो किसी को पता ना चले। बेफिक्र रहो यीशु भाई। लेकिन मेरे को एक बात बता यार मोटे। हाँ बोलो।
वो जवाब देगी, अगर उसने जवाब दे दिया एक दो दिन में तो मैं उसको लेके किधर जाऊँ यार। अबे यूसुफ भाई रेस्टोरेंट ले जाओ। अबे चल अलग सा उसको बिल्कुल ना मेरे को कोई डिनर कराने का, जैसे कैंडल नाइट डिनर नहीं होता, किसी समंदर किनारे हवा के सहारे मोमबत्ती आहरे आरे और सामने रखे हो चिकन और पाए। अबे क्या बोल रहे हो, मतलब तुम कब से क्या मिर्जा गालिब बने हो? अबे नहीं यार वो मतलब सोच रहा हूँ कोई ऐसा डिनर हो यार। यार ऐसा तो मुझे भी नहीं पता कहाँ होता, ये रेस्टोरेंट वाले करवा देते हैं। मुझे नहीं पता यीशु भाई, साले मेरे को बताया ऐसा डिनर किधर होता है? हाँ, तुमको आवाज आ रही है, इतनी जोर जोर से बातें करोगे मेरे को क्या बाली टक्कर आवाज जा रही होगी। अबे नहीं क्या सुना तुमने, क्या सुना? रहने दो मेरे भाई, इधर आओ इधर आओ। तुम इधर आओ, तुम्हारे बाप का नौकर नियम है। आ रहा हूँ मेरे भाई, चल टिम में सफाई कर, बहुत बातें हो गई तेरे से। हाँ क्या सुना तुमने? यूसुफ भाई सब सुन लिया मैंने, बेफिक्र रहो, लेकिन तुम मैं बाली को नहीं बताऊंगा इस बारे में। अच्छा तुम पर मैं कैसे भरोसा करूं, और तुम क्या कर लोगे बस को बता के मैं खुद देख लूं। सही है भाई, देख लो डिनर का फिर मेरे को बता किधर से होता। अच्छा तुमको पता है? हाँ तो बताओ ना। नहीं 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 नहीं, हाँ खुद कर लो। अच्छा ना फारूक बताओ ना यार, ऋषि भाई को बोलो। अच्छा फारूक मेरे प्यारे फारूक भाई बताओ ना यार, बताओ ना यार, बताओ ना किधर भाग रहे हो? अबे साले तुम मेरे अंदर घुसे हो तो भागूंगा नहीं, क्या लड़की समझा हुआ क्या मेरे को? अच्छा इधर आओ इधर आओ, ये हरामी साला चाचा को ना बता दे। नहीं बताएगा ऋषि भाई, बात करो। इधर आओ इधर आओ। हाँ बोलो, बताओ ना किधर होता है ऐसा डिनर? अबे यूसुफ भाई ऐसा डिनर जो है ना हमारे बड़े भैया। अबे भाई ये छोड़, मुझे ये बता डिनर किधर होता है? अबे सुनने देना, सुना सुना फारूक भाई। हाँ हमारे बड़े भैया की कहानी सुनोगे तो मैं बताऊंगा किधर होता है। हाँ सुनाओ सुनाओ, थोड़ी देर सुन ले साले, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग कान खराब कर ले। ओके यूसुफ भाई सुना भाई सुना। हमारे बड़े भैया एक दफा एक मासी को जो है ना डेट पे लेके गए थे। मासी को? अबे हाँ भाई, ये घर में काम करने वाली को डेट पे लेके आ रहे? अबे मेरे भाई घर में काम करने वाली मासी नहीं, उस लड़की का नाम मासी था। अच्छा आगे आगे बताओ, बहुत अच्छी थी? अबे नहीं भाई, उसकी एक आंख नहीं थी, दोनों हाथ नहीं थे, नाक का छोड़ा के एक ही था। हैं तेरे बड़े भैया इसको डेट पे लेके गए थे? हाँ भाई, हमें उठा मजे नहीं आ रहा था। टांगे भी नहीं होंगी? अबे जीवी भाई तुम्हें कैसे पता, जब उसके हाथ पैर नहीं है तो फिर टांगे होंगी नहीं ना। तो लेके कैसे गया, गोद में? अबे नहीं वो थैले में, शॉपिंग बैग में। अबे भाई तो कुर्सी पे तो बैठी नहीं होगी। अबे नहीं लटकाया हुआ था उसको। तुम आगे बताओ हुआ क्या था डिनर? यूट्यूब भाई ये हुआ था कि अपना सीव्यू नहीं है। हाँ इधर एक बंदा था हमारा पार्टी का, मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी। अच्छा क्या नाम है भाई? मैं करा के दे रहा हूँ ना यार आपको, तो तुम पैसे मांगोगे? नहीं नहीं यूट्यूब भाई पैसों की बात नहीं है, वो पार्टी के बंदे तुम्हें पता है ऐसे आराम से आमने सामने मिलते नहीं ना मेरे भाई। अच्छा तो करा दोगे तुम, कितना खर्चा है? अबे यूट्यूब भाई मुश्किल तो वीर बच्चे दारू पे बस। साले मेरे को 50-60 बंदों का नहीं कराना, सिर्फ 2 बंदों का। अबे तो मेरे भाई एक आलीशान सा बनवा के देंगे ना तुम्हें, हमें भी लागे सामने आलीशाना को पता तो चलेगा, तुम उसको डिनर अच्छा सा करा दो। यूसुफ भाई तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा मेरे भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चलते फिर तो तुम लाखों रुपये उड़ा दे दो, 20,000 रुपये डर नहीं उड़ा सकते तुम, और 25 हेड करने निकले हो तुम। भाई बोल तो सही रहा है ना, मेरे को भी अब अकल में आई है। ये बताओ करवाना कब है? वो आगे से जब जवाब देगी ना फिर करवाना होगा, लेकिन तुम्हें कसम है तुम्हारे बड़े भैया की, अगर तुमने चाचा को बताया ना। नहीं यूट्यूब भाई बेफिक्र, और तुम जो है ना अपने दिमाग से तुम भी निकाल दो सनक। यूट्यूब भाई मैंने तो परसों ही निकाल लिया था, क्योंकि मैं समझ गया था भाई वो हमसे बटेगी नहीं। तुमको कैसे पता चला? अबे वो छोड़ो भाई बताओ ना। अबे ये देखो ना हमारी गर्दन की नाली बाहर आ गई, ये खाल लटक रही है, कौन लड़की बटेगी मेरे भाई? उसकी देखो साली दूध जैसी सफेद है। तुम्हारी बहू है वो? हाँ हमारी बहू है भाई, मान लिया मैंने तो मान लिया कि बाली को तुम बनवाना। अब वो मेरे को नहीं लग रहा इतनी जल्दी मानेगा, उसका तो बाप भी मानेगा। तुम्हारे दादाजी जो भी हो तुम बस ये सेटिंग करवाओ। यूट्यूब भाई मैं अगले बंदे से बात करके रखता हूँ, है जैसे ही तुम्हें बताना हो ना कि इतने और टाइम लगवाना है, मैं वो थक करके उसको फौरन फोन करूँगा, आधे घंटे में सेट हो जाएगा। है यूट्यूब भाई ओके फारूक भाई तुम्हें कसम दी है मैंने। अब यूट्यूब भाई बेफिक्र रहो, फारूक 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 फेसबुक की कसम है, ओ दबान है ना, इधर जाती है ना उधर। हाँ ये सेम सीधी भी ना जाए ना पीछे। ओके ओके यूट्यूब भाई आ जाओ यार मोटे, थोड़ा ऑफिस में जैसे काम की बात करनी है। चलो यीशु भाई आ जा, झटा झगा तो दे। अबे भाई आगे से चला जाना। आ जाओ आ जाओ। आ रहा हूँ। सही फारूक भाई। ओके भाई। ओके फारूक भाई कौन सी तुम डिनर करवा रहे हो, तुम्हारा की का है क्या? इंसान का बच्चा वन, काम से काम रखा कर, सर्वे चले जाता मनु सलामी कहीं का। अजीब ही हो भाई तुम,
मेरे नक्शे कदर, मेरे नक्शे कदर, पता नहीं कौन कौन सी कवालियाँ सुन रहा आजकल। अबे क्या हुआ मेरे जिगरी दोस्त, उड़ाट खड़ा हुआ है तू? अरे कुछ नहीं यार, जिंदगी से बेजार हुआ मैं। हम तो यार मैंने सोचा आज तेरा हाल चाल पूछ लूँ भाई। रोटी तो पूछता है, रोटी तो पूछता है यार तू। भाई तेरे लिए खबर लेकर आया हूँ मैं, बता मेरे बेटे आप किसकी खबर लेकर। अबे खबर नहीं मेरे भाई, खबर खबर। अच्छा बोल कौन सी खबर लेकर आया यार? तेरे को बच्चा हो गया, तेरे बड़ा भैया वापस पेजा हो गया यार। अबे नहीं यार, बड़ी एंटिक खबर लेकर आया हूँ वाली। पटा पटा मैंने कौन सी खबर? यू तो भाई जो है सना को डेट पे लेके जा रहे हैं। नहीं कर इसका मामा ने उसका पटा ला फाड़ू कर मेरे डिस्प्लिन की गोली ने मेरे दिल में दर्द हो रहा है यार। साले मनुज के बच्चे उनको बता दो। अबे हरामी की नस्ल डिस्प्लिन की गोली से कौन दिल का दर्द सही होता है भाई? एक्टिंग छोड़ मेरी बात सुन मेरे भाई, यूट्यूब भाई को जो है ना मैंने फुल घेर लिया। अच्छा कहाँ घेरा, कहाँ घेरा मेरे को पता? वो है किधर? अभी वो ऑफिस में यूट्यूब भाई जो ना डेट पे लेके जा रहे हैं सना। अरे इसके आगे तो बोल यार, लेके कब जा रहे? अभी जो है ना सना ने जवाब नहीं दिया है और यूट्यूब भाई ने मेरे को बोला वाली को नहीं बताइयो। मैंने बोला हाँ बेफिक्र रहो यूट्यूब भाई, भरोसा रखो नहीं बताऊंगा। फिर मैंने बेटा तू तो मेरे को बता जाएंगे, तू तो दोगला इंसान, जाओ निकल जाओ तुम यहाँ से। एक तो अपनी दोस्ती निभा। अच्छा इधर आना, इधर आना, नाराज क्यों रहे यार, नाराज क्यों रहे यार? हाँ नहीं तो दोस्ती निभाने आए हो तुम, अपने हरामी बने कर रहे हो। बोल 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 आगे बोल। यूट्यूब भाई जो है ना कैंडल लाइट डिनर कराने वाले। अल्लाह अल्लाह मेरे को पांचवा टेक का डाले, पांचवा टेक फट गया पहना डोल दे पहना डोल दे। अबे हरामी बात सुन ले साला, कॉमेडी नाइट सर्कस की औलाद। अच्छा आगे बोल आगे बोल। यूट्यूब भाई को मैंने बोला, यूट्यूब भाई को पता नहीं था कौन से डिनर कैंडल लाइट डिनर की सेटिंग होती है। फिर मेरे बेटा यूट्यूब भाई को मैंने बोल एक जगह टिक जाओ ना मनोज। अच्छा अच्छा बोल बोल भाई बोल रहा हूँ। यूट्यूब भाई को मैंने बोला है कि मैं सेटिंग करा दूंगा, 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। सही है काम तो 5 हज़ार का है। अच्छा बहुत हरामी हो तुम यार, मेरे भतीजे को लूटने में लगे हो। लूटो लूटो 10 हज़ार चाहिए, 10 हज़ार मिले सही, 25 हज़ार रुपये मांगे यार। हाँ समझ गया मेरे भाई, लेकिन तुम मेरी बात सुनो भाई जान। बोलो बोलो मेरे बेटे, खाना खाया? अब तुम बताओ, मैंने तो तुम्हें आके रिपोर्ट दे दी है, अब तुम बताओ। तुमने ही बोला ना कि तुम बिल्कुल शरीफ बन जाओ और यूसुफ की गैंग में शामिल होकर सना की सारी रिपोर्टें निकाल के मैं तुम्हें दूँ। अब मैं और क्या करूँ? तुम एक बात सुन लो, तुम इसकी डेट फिक्स कराओ, उसके बाद इसकी डेट पूरी होने तो फिर देखो मैं सना को क्या बोलता हूँ इसके बारे में। अबे क्या बोलेगा तू? तू देखता तू जा मेरे बेटे, फुल फुल मेरे बेटे, देखता जा तू, देखता जा तू। डेट खराब नहीं करूँगा इनकी, मैं इनको डेट में पूरी मानने दूंगा। क्यों वाली? अरे तुम देखो तो मेरे बेटे, बार जैसी डेट एंड होने लगेगी ना फिर मैं एंट्री मारूंगा। चल रही है तू इनके सारी जो ना डेट, कैंडल लाइट डिनर मिनर जो भी है सारा इनका प्रोग्राम सेट कर, उसके बाद तू देख मैं करता हूँ। ओके ओके वाली, इसको जो है ना शक नहीं होने देना मेरे बेटे। वाली सही है, शक होने नहीं देंगे और फक कर देंगे सबको। सही है मेरे बेटे, डन है। हाँ निकटो हाला, बहुत कभी ना अपने भतीजे की जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये नहीं कि दूसरी कोई अंग्रेज अंटी बैठा ले, लेकिन नहीं इसको भी सना पे दिल आ गया। टेस्टी है ना दरअसल। क्या हो गया फारूक भाई? फारूक भाई तुम्हें बता क्या हुआ मेरे भाई? हमने सलमान बॉय नहीं है। हाँ बोल बोल आगे। मैं ना उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अबे तो मैं क्या करूँ भाई? उनकी जो है ना वो सोनाक्षी सिन्हा से शादी हो रही है। अबे नहीं कर, सलमान भाई की शादी हो रही है? अल्लाह अल्लाह अकबर मेरे भाई, ये कौन सा दिन आ गए? कयामत के दिन करीब है शायद। अबे भाई क्या बोल लो? अबे खुद तो रोज 56 साल की उम्र में वो शादी कर रहा, 60 साल की उम्र में बच्चा करेगा वो। का बच्चा तो 2 साल की उम्र में अपने बाप को बुढ़ा देखेगा सफेद बालों में। अबे फारूक भाई उसके पास पैसा है मेरे भाई। एक बात बता। पूछो फारूक भाई। तेरे को तेरे कयामत की टेंशन है साले। अबे यार 56 साल का होके 35 साल की सोनाक्षी सिन्हा लेके जा रहे, जलन नहीं होगी क्या हमें? हम जैसे लौंडे मर गए। अबे इंसान का बच्चा बन सोनाक्षी सिन्हा के सपने देख रहा है तू? और भाई मेरे को उसके धमके बड़े पसंद हैं। अबे तेरी तो लानत है तेरी शक्ल पे मेरे भाई। फोन करके पूछता हूँ मैं तारा हसनैन काड़े को, हसनैन काड़ा ये पूरी सेटिंग करवा के देगा। अबे सना की गाड़ी मोटे यार, सब कुछ तो सही है यार, देखा जाए तो अपना गाड़ियाँ भी सारी शिपमेंट वगैरह रिकॉर्ड तो अपना बिल्कुल सही है यार। हाँ यीशु भाई, बस वो मंथ के एंड में जो है ना, अभी अभी कितना आज 29 तारीख है ना, तो कौन सा महीना? मेरे को नहीं पता 31 का, पता नहीं 30 का। मेरे ख्याल से 31 का है शायद, अगर 31 का हुआ तो फिर कल या परसों बैठ के हिसाब करेंगे, 30 का हुआ तो कल करेंगे। चल सही है, क्योंकि इन लोगों को सैलरी भी तो देनी ना फिर। हाँ समझ गया मैं, आता हूँ मैं बाहर से। ओके यीशु भाई, फारूक भाई से ज़रा पूछूँ मैं ज़रा। अबे यार ये चाचा के साथ कहाँ खड़ा हुआ, अभी तो पूछ भी नहीं सकता मैं। बड़े सना का फ़ोन।
अरे मेरे ख्याल तो जवाब आ रहा है, 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 जवाब आ रहा है। अभी फोन उठाता हूँ, फोन उठाता हूँ। हेलो, सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम यूसुफ, किधर है आप? मैं अपने जॉब पर, शोरूम पर। अच्छा, वो मुझे जो है ना एक बात करनी थी। हाँ जी जी, बोले क्या बात करनी है आपको? वो मुझे ये कहना था कि, हाँ बोले बोले, अगर मैं आपको मना कर दूँ तो? तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों मानेंगे? आपने मना कर दिया, खत्म। जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना आप। आप मेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो मैं आपको जबरदस्ती बोलूँ भाई चलो मेरे साथ। अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, मतलब वैसी जबरदस्ती नहीं, गुस्सा वाली नहीं, प्यार वाली जबरदस्ती। अच्छा, हाँ मसला कोई नहीं। अगर आप मना, आपने तो कहा था कि लड़की मना कर देगी या तो फिर, और आपने कौन था मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आप मुंह से तो मना कर रही हैं, प्यार से मना कर रही हैं। अच्छा चलें, पर आज रात का डन करते हैं। आज रात? जी बिल्कुल, कोई मसला है? आप फ्री है ना आज? अरे आप तो अभी बोले, मैं अभी आ जाऊंगा। चले सही है, फिर आज रात का ना आप डन करते हैं, और आप मुझे बस बता दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी आज रात 10 बजे। आप 10 बजे? इतनी लेट नाइट? देखें, डिनर पे जा रहे हैं तो लेट नाइट डिनर ज़्यादा अच्छा लगता है एक लड़की के साथ। अच्छा चले सही है, मैं 10 बजे रेडी हो जाऊंगी। वैसे अभी क्या टाइम हो रहा? अभी हो रहा है 6:15 हो रहे हैं अभी। चले सही है, 10 बजे मैं आपको पिक करने आपके घर आ जाऊँ। हाँ आ जाए, कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है, मैं आपको, आप बस आने से पहले मैसेज कर दिया ताकि मैं बाहर खड़ी हो जाऊँ। ओके ओके, 10 बजे। ओके। मोटे तेरी तो बाजी को मैं करूँ सलाम, बाजी को मैं करूँ सलाम। मोटे मोटे। हाँ यीशु भाई। मोटे तेरी भाभी का जवाब आ गया। क्या कह रही है, क्या कह रही है? आज रात 10 बजे फिक्स कर दी तेरे भाई ने डेट। फट फट दुन 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 दुन। नहीं मुबारक हो यीशु भाई, है ना? जाना, अभी मैं जाता हूँ फारूक भाई, तो पूछ, फारूक भाई को बुलाओ इधर। बुलाओ बुलाओ, फारूक भाई को बुलाता हूँ अभी। फारूक भाई, फारूक भाई, वाह फारूक भाई, इधर आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ यूट्यूब भाई, आ रहा हूँ, बाली आता हूँ मैं। हाँ यूट्यूब भाई, क्या हुआ? इधर आओ, अंदर आओ। बोलो यूट्यूब भाई, अंदर क्यों बुला रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो क्या? अबे इधर तो आओ तुम, आज रात 10 बजे का प्रोग्राम फिक्स कराओ डिनर का। अच्छा, तुमने बात कर ली? अबे हाँ मैंने वो बात कर ली, अस्नैन काड़ा है मेरा दोस्त, वो बोल रहा हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है भाई जगह महंगी हो गई है, 30,000 रुपये खर्चा आएगा। ये 20 से 25, 25 से 30, अभी रात में बैठूंगा ना तो बोलेगा 35, और जब खाना वाना खा के वापसी जाऊंगा तो बोलेगा 40। अबे नहीं नहीं यूट्यूब भाई, वो तुम्हें पता है ना पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वालों की जगाई भी होती है ना, ऊपर कमीशन मांगते हैं वो। हाँ ये भी है। दे दो यीशु भाई, दे दो। 30 से ऊपर हुआ ना साले, मैं बताऊंगा, मैं उसको रेस्टोरेंट ही ले जाऊंगा। अबे नहीं नहीं यूट्यूब भाई, नहीं होगा। ओके एक काम करो, डन कराओ, और VIP सा होना चाहिए यूट्यूब भाई, ऐसी डेट लगवाऊंगा यकीन मानो, जिंदगी भर याद रखोगे तुम। और तुम बोलो तो म्यूजिक व्यूजिक भी लगवा दूँ। नहीं नहीं म्यूजिक की कोई इतनी मसला नहीं है यूट्यूब भाई, डिनर पे जा रहे हो, डिनर वाला म्यूजिक लगवाऊंगा ना, तो कुछ छोटा सा स्पीकर रखवा दूंगा जिसमें तुम्हें डिनर वाला लाइट प्यारे प्यारा गाना बजेगा पीछे से, देख लेगा ये मुन्नी बदनाम ना लगा दे। हाँ अबे नहीं नहीं भाई, ट्यून जो होती है खाने की जो डिनर के टाइम पे शादियों में नहीं बजती भाई। चल सही है, अच्छा सा होना चाहिए, और मेरे को जगह बता देना। हाँ यूट्यूब भाई, परेशान नहीं हो, 10 बजे से पहले हो। अबे हाँ ना यूट्यूब भाई, दिमाग की नहीं हो जाता, पैसे दो। दे रहा हूँ। ओके यूट्यूब भाई, मैं देखो तुम्हें ऐसी डेट लगवाऊंगा, तुम बोलोगे कि क्या यार फारूक भाई, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। देखते हैं देखते हैं, इतनी बातें तू कर रहा, अगर एक भी चीज ऊपर नीचे हुई ना तो फिर देख यूट्यूब भाई, अगर एक भी चीज तुम्हें पसंद ना आई ना तो मेरे चूतर तुम्हारा केला। हाँ सही है, हैं क्या बोल रहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, देखते जाओ यूट्यूब भाई, तुम पता नहीं क्या समझते हो फारूक भाई को। फारूक भाई ने बेशक डेटे नहीं मारी, लेकिन लगवाना जानते हैं मेरे भाई। क्या हो गया फारूक भाई, किसकी डेट लगवा रहे हो, ये क्या तुम मजूरियों वाला काम कर रहे हो? अबे तू इंसान का बच्चा बन के काम वाम क्यों नहीं करता साले, यही झाड़ू तेरे पिछवाड़े में घुसड़ के ना ऐसी सफाई करूंगा ना, क्या बताऊँ। इधर आ इधर आ बेटे बेटे, हाँ वाली इधर आ इधर आ, आ जा आ जा, पोट ला यार वाली, रात में 10 बजे डेट लग रही है। अच्छा ये बता तूने करना क्या है? तू देखता जा मेरे बेटे, डेट खराब बेटी होगी और आवाम को मजा भी आएगा, साला मेरे से सना को छीनेगा, देखता जा। अगर मैं उसको बोलता ना डिनर का, वो मेरे को भी हाँ करती यार।
मोटे लोग कह रहे हो जब इस मनोज की जैसे पोती जैसी शक्ल को बनने को चाह कर जब मैं इतना हैंडसम स्मार्ट अल्लू अर्जुन जैसा देखने वाला बंदा शिवाजी जीराव जैसा देखने वाला बंदा मेरे को हानि करेगी तो किसको करेगी यार। ये तो है वाली, ठीक है तू जा और अपने दोस्त को बोल और सारी सेटिंग करवा। ओके वाली, अभी हसनैन काणे को फोन करके बोलता हूँ रात में 10 बजे से पहले 9 बजे तक सेट रेडी कर दे भाई डेट के लिए। ओके फारूक भाई तुम ये क्या चकलो वाला काम कर। अबे ओ दान का बच्चा बन चकले वाला काम किसको बोल रहा मैं, नहीं तो दिहाड़ी लग रही है 20,000 की भाई। चल सही है मेरे भाई हसनैन भाई, तुमने मेरे सही काम करा दिया काणे। फारूक भाई तुमने बोला काम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता ना फारूक भाई, समझ रहे ले ना फिर तुम, बस तुम हमारा थोड़ा कमीशन रख लेना सही है। हाँ सही है मेरे भाई, बाकी मेरे को ये बताओ भाई कि पुलिस पुलिस की कोई फटिक तो नहीं होगी ना। फारूक भाई तुमको तो पता है पुलिस की फटीक हो सकती है क्योंकि तुम खुला डेट मार रहे हो और ये जगह अपने बाप की नहीं है, हम तो खुद किसी से, तुम्हें पता है गवर्नमेंट की जगह है, अभी तुम इस पर अपनी मर्जी से काम करेगा तो होगा ना भाई। अबे हाँ ये तो तू सही बोल रहा, क्योंकि जिस बंदे की डेट है ना मेरे भाई वो बड़ा पागल बंदा है, गंजा है लेकिन उसका दिमाग 24 घंटे घुमा रहता है मेरे भाई। चलो तो ये फारूक भाई तुम देख लेना यार, इतना तो अपने करा दिया, पुलिस किसी जुगाड़ अब तुम कर लो ना। अबे तेरे को तो पता है मेरे भाई पुलिस पे मैं खुद भागता हूँ, चल वो सेटिंग में खुद बोल लूँगा, हमारे एक बंदा है माइकल वो संभाल लेगा। चलो तो ये फारूक भाई वैसे ये बताओ ये हटाना कब है। अबे जैसे ही हटाना होगा मैं तेरे को फ़ोन कर दूँगा, बेफिक्र रहा है 12 बजे 1 बजे तक हट जाएगा मेरे भाई। चलो तो ये फारूक भाई अल्लाह हाफिज़। ओके मेरे भाई अल्लाह हाफिज़। चलो भाई जगह तो मैंने पूरी सही करा दी, अभी तुम लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट सीधा यूट्यूब भाई को दिखाऊंगा। चलो साला हरामी कहीं का 8,000 में कमीने ने गाड़ी को जगह का काम करा, बहुत कंजर है भाई अपने खाचे बनाने में लगे रहते हैं। यूट्यूब भाई को मैंने बोला यूट्यूब भाई गाड़ी दो, भाई यूट्यूब भाई की गाड़ी अभी मस्त है भाई, क्या बताऊँ तुम लोगों को क्या बिंदास चल रही है, मेरे को तो अलग ही मज़ा आ रहा है। हटो हटो पीपी पीपी मस्त गाड़ी है भाई यूट्यूब भाई की, क्या बताऊँ तुम लोगों को। बड़े उन्होंने ना एक एक दफ़ा मैंने मांगी कि यूट्यूब भाई गाड़ी दो, यूँ ठक करके उन्होंने मेरे को बोला भाई ले जा, और अपना काम फंसा हुआ है ना उनका, वरना तो उनका बाप भी मेरे को ये गाड़ी ना दे, पता नहीं मेरे को ये लोग क्या समझते हैं। अरे भाई एक टाइम था हम अपने बड़े भैया की चलाते थे ये गाड़ी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी, यकीन मानो ये तो शोरूम वोरूम कुछ भी नहीं है, हमारे बड़े भैया के पास लैम्बोर्गिनी आती है जमाने की। अबे यूट्यूब भाई का किधर फोन आ रहा है। हेलो यूट्यूब भाई। अबे भाई फारूक भाई किधर रह गए तुम, 9 बज रहे। अबे 9 बज रहे आ रहा हूँ रस्ते में हूँ, तुम्हारा काम हो गया, मैं शोरूम की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा जल्दी आओ। अबे भाई फोन रखो, अभी फोन बातों करते करते तुम्हारी गाली ठुक जाती तो मैं ठोक दूंगा मैं। अबे नहीं अच्छा अच्छा फोन रखो तुम। हाँ नहीं तो बातें खुद कर रहे हैं कॉल पे, गाड़ी ठुक जाती मेरे बदला ले ले फारूक में। काले ने 8,000 का काम करके दिया, 22,000 रुपये की दिहाड़ी लग गई, बाली को बोलूँगा 20,000 की लगी, 12,000 खुद रख लूँगा। हाँ काला सब कुछ बता दूँ क्या हरामी के बच्चे को, काम हम करें ख्वारी हम करें। अबे ये कुत्ता, अबे भाई कुत्ता किसका घूम रहा है ये, को भगाता हूँ पहले हरामी को, कुत्ता किसका ये, चल वे भाग जा यहाँ से, चल भाग यहाँ से हट। अबे अबे ये मर गया क्या, अबे अबे खड़ा हो गया, अबे जान, अबे 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 मेरे भाई, अबे अबे अल्लाह अबे अबे अल्लाह अबे वो मनुष्य के बच्चे दफा हो जाए यहाँ से, हरामी पीछे पड़ गया भाई। अबे यूट्यूब भाई, अबे यूट्यूब भाई तो आवाज ही नहीं सुन रहे, अबे अब क्या करूँ मैं इसका कमी है का, इसको मेरे को लग रहा है गन वन दिखानी पड़ेगी, भाग जाए यहाँ से भाग। अबे ये तो भाग ही नहीं रहा, मार भी नहीं रखते, हरामी का करूँ तो करूँ क्या, आ जा आजा आजा। अबे नसीम टीम में मेरे को बचाओ, नसीम हरामी के बच्चे, अबे अबे भाई माफ कर मेरे को, अल्लाह अल्लाह अबे नसीम टीम में मेरे को बचा। अबे अबे भाई कह रहा कमीना को उठा ही दो, बदूल में मैंने उंगल कर दिया इसके अंदर, अभी जाता हूँ जाऊँगा तो मैं यहीं से, इसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वाला थोड़ी है। हट यहाँ से हरामी, यहाँ पे कर क्या रहा है कुत्ता, किसका कुत्ता हो नसीम टीम में। जी फारूक भाई, अबे साले तेरा बड़ा भाई बाहर घूम रहा है। अरे फारूक भाई मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं। अबे तो वो कुत्ता किसका है। अरे फारूक भाई इंसान के बच्चे बन जाओ तुम, फजूल में मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलते रहे तुम। अबे चल बे इधर आओ तुम। हाँ यूट्यूब भाई आ गया आ गया। अबे फारूक भाई किधर रह गए थे, टाइम देखो।
अबे क्या टाइम हो गया? अबे भाई अभी तो 9:01 हो रहा है। हाँ तो मेरे को जाना है, सना को भी उठाना है। सना को मैंने मैसेज करना है अभी कि बाहर आ जाओ। काम बताओ हो गया? अबे यूट्यूब भाई इतना खतरनाक काम करा है ना, तुम बोलोगे अभी कि शादी हो रही है मेरी। हैं अबे तुमने स्टेज में फूला वूला धूला वूला तो नहीं लगवा दिया कहीं फूल वूल? अबे नहीं नहीं फूलों की तो बात ही नहीं की मैंने, तो एक फूल ना तो नहीं आएगा तुमको। तो ऐसा क्या करवा दिया तुमने? यूट्यूब भाई आज के बाद जो ना तुम मेरी सैलरी डबल कर दोगे, यकीन मानो इतने खुश हो जाओगे तुम। हैं देखता हूँ मैं, लेकिन ये बताओ खाने का क्या सेटिंग? अबे भाई सब करा दी, वेटर की भी सेटिंग है, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा यार ये तो तुम सही कर रहे हो यार, वेटर कौन है? अबे मैं खुद बनूंगा ना। हैं तुम वेटर बनोगे? हाँ तो भाई मेरा क्या बन नहीं सकते क्या? अबे ओ चल बे। अबे क्या हो गया यूसुफ भाई? अबे तुमको जानती है वो? अबे तो जानती है तो क्या हो, लेकिन मैंने आज तक उस पर ट्राई नहीं मारी, उसको मैंने लाइन नहीं मारी ना पटाने के लिए, उसको कुछ बोला ही यूसुफ भाई, उसको शक भी नहीं जाएगा। हाँ यूसुफ भाई ये सही है, देख लो भाई। अबे यूट्यूब भाई कुछ नहीं होगा, वो तुम थोड़ी सी मेरी जेब गरम कर दो ना। देखा आइए ना लाइन पे। अबे फारूक भाई हमसे ही पैसे लोगे? अच्छा तुम्हारे लिए यूट्यूब भाई इतनी खुआरी काट के आ रहा हूँ, तुम मेरे को 5-6 हज़ार रुपये नहीं दे सकते? उसमें से थोड़े से बच्चे होंगे। अबे यूट्यूब भाई यकीन मानो 200 रुपये ऊपर देकर आया हूँ अपनी जेब से, सेटअप ऐसा लगवाया तुम बोलोगे अरे फारूक भाई ये तुमने क्या करवा दिया मेरे भाई, वलीमा हो रहा है क्या मेरा? बात इतनी कर रहे, देखिए ऐसा कुछ होगा नहीं। अबे देख लेना मोटे तू साथ चलेगा? अबे मैं जाके क्या करूँगा? अबे चलो चलो तुम भी चलो। अबे मैं जाके क्या करूँगा? अबे तुम लोग यार थोड़ा आगे पीछे रहना, मेरे को कंपनी रहेगी, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँगा। हैं तू हमारे साथ रह के कंफर्टेबल फील करेगा? तो यूसुफ भाई एक बात सुन लो। बोलो। उसको ना आज पटा लेना, दिल की बात कर देना। अबे तू क्या पागल हो गया, आज ही सब करवाएगा? अबे ठीक है यूसुफ भाई ज़्यादा लेट नहीं करो मेरे भाई, उसकी दिल की बात सुन लो। तो वो कौन था मेरे को फौरन जवाब दे देगी, वो भी थोड़ा टाइम लेगी। अबे तो तुम उसके कान में बात डालोगे तो टाइम लेगी ना वो? यही बोल रहे जी बादशाह, इनको बड़ा एक्सपीरियंस है क्यों जी भाई? अबे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बस मुझे पता है ऐसा यार। अच्छा फिर बताओ यूट्यूब पर, मैं तुमको अपने बड़े भैया की कहानी सुनाऊं? नहीं नहीं देख लो फिर तुम। अच्छा भाई सुना, हमारे बड़े भैया ने ना एक लड़की पटाई थी, फिर वही वाली हो जिसके हाथ पैर नहीं था? अबे नहीं नहीं उसका नाम रानी था। ओहो रानी, देख रहे हो कैसी कैसी लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ पटाई थी तेरे बड़े वाली? अबे मेरे भाई इतनी लड़कियाँ पटाई थी कि 70 हूरे ऊपर कम पड़ जाएंगी। हैं इतनी शहरी के 100-150 होती हैं? ऐसा ही समझे लो रखते किधर थे? अबे भाई उनकी जिंदगी में लड़कियाँ एक आती थी एक जाती थी, एक रोड लड़कियाँ बदलते थे, मैं तो फिर भी 2-3 दिन के बाद कपड़े बदलता था, वो लड़कियाँ रोड बदलते थे मेरे भाई। तेरा बड़ा भाई था क्या साले? भिखारी था क्या मतलब? नहीं तो तू कहानी सुना। अबे भाई उन्होंने एक लड़की को ना पसंद आ गई दिल से, वो मेरे ख्याल से उनकी थी 123वीं लड़की। 123वीं लड़की? हाँ ना। फिर क्या हुआ आगे सुना। अबे भाई उन्होंने उसको ना दिल की बात कर दी कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अबे भाई वो लड़की बीच की निकली। हैं तुम्हारे बड़े भैया की तो जिंदगी खराब हो गई। मत पूछो भाई उनको दिल टूट गया था। तो तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं उठो भाई। तू कहना क्या चाहता है ये बता। अबे नहीं कुछ नहीं उठो भाई, वेटर की बात कर। नहीं नहीं तू क्या समझ, ये बिचकी निकलेगी? अबे मैंने तो कब बोला। तेरा कहने का मतलब तो वही था। नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये, तुम लोग गलत ले गए हरामी हो, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ जल्दी उसके दिमाग में उसके दिल की बात डाल दो अपने। मैं यही तो बोल रहा हूँ यूसुफ भाई। अबे यार मेरे में हिम्मत होगी तो मैं बोल दूंगा, वरना नहीं बोल पाऊंगा मैं सीधी बात। 1-2 डेटें और मार के फिर कर लूंगा। अब क्या पता वो अगली डेट पे आए नहीं। आना यूसुफ भाई पहले पूरी तो होने दो, पहली पहली पे बहुत आराम से मान के तेरा। अबे ऐसे मैं बात ही ऐसे करूँगा, तमीज से उसको रिस्पेक्ट दूंगा तो अगली पे भी आएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी यूसुफ भाई। आना यार सही तो बोल रहा हूँ, क्यों फारूक भाई? अबे भाई तुम्हारी मर्जी देख लो अब तुम। आने तो ऐसा नहीं होता यूट्यूब भाई, जल्दी से देखो लड़की जो है ना बहुत टाइम लेती है सीरियस मामला करने में, और तुमको शादी करनी है कि वैसे टाइम पास के लिए बता दो। शादी करेगा तेरा भाई, अब क्या इस उम्र में भी टाइम पास करूँगा? अबे आज ही बातें कर रहे हो तुम, टाइम पास तो मुझे करना चाहिए कोई शर्ट करके। अबे मेरे भाई तुम भी गुनाह से बच्चे और शादी कर लेना, टाइम पास नहीं करना। कब तक तुम हाथ का इस्तेमाल करोगे? हैं मोटे तू क्या सबको बताता फिर रहा? अबे नहीं नहीं भाई इसको तो नहीं बताया। डाले शक्ल देख के बता देता हूँ, मुँह पे दाने देख, माथे पे कितने गंदे पानी वाले दाने हो रहे। साले मोटे जब भी तेरे को बोलता हूँ क्रीमें लगा कर, छोड़ दे ये काम। हाँ नहीं तो किसी दिन टांगे टूट के ना अलग हो जाएंगी, यकीन मान। अभी इन जैसे लौंडो को भगवा लो, इनकी सांस ना भूल लेना, यूट्यूब आए हमारे बड़े भैया का नाम बदल लेना। हाँ नहीं तो उनके मुँह पे बड़े दाने थे, उनका ऐसी तो इंतकाल हुआ है। तुम तो बोल रहे थे वो खांसी लियो ऐसे इंतकाल हो गया, हंसते हंसते इंतकाल हो गया। अभी नहीं तीसरी वजह ये भी थी मेरे भाई, दाने भी हुए ना।
इसका बड़ा भाई है ना किस्तों में मारा, यकीन कर मोटे। मुझे भी यही लग रहा है। अबे यूट्यूब भाई तुम मजाक उड़ा रहे हो भाई, अब चलो लंबी नहीं करो, तुम अब देर नहीं हो रही। हाँ चलो चलो। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि जगह किधर है। अबे यूट्यूब भाई तुम्हारा बंगला है ना, हाँ उसके बिल्कुल बराबर में पार्किंग एरिया है। हाँ वो खत्म होते ही देखना तुम्हें लाइटें नजर आ जाएंगी, वहाँ पे बना हुआ हमने। मैं अभी तुम पहुँचो, मैं तुम्हारे से पहले टैक्सी करके वहाँ पहुँचना, क्योंकि तुम अभी सना को भी तो लेने जाओगे ना। हाँ को भी लेने जाना, बट तू आ रहा है ना। अबे यूसुफ मैं क्या करूँगा यार, आके तुम जाओ ना यार। अबे यार दूर से ही देख लियो ना। अबे तुम ऐसा क्या करने वाले हो जो मैं तुम्हें तो दूर से खड़े होके देखूँ, बातें ही तो करोगे, मुझे तो आवाज़ भी नहीं आएगी। सही बोल रहा यूसुफ भाई, तुम जाओ मैं आऊँगा, मैं आके जी बादशाह को सब बता दूंगा क्या क्या बातें हुई। तुम ना ज़्यादा कान नहीं लगाना अपने। अच्छा तो थोड़ी खाना देखे ना, दूर हो जाना। ओके ओके यूसुफ भाई मैं जा रहा हूँ। सही है, उसको तो मैसेज कर दो। हाँ उसको मैसेज कर देता हूँ, सना को मैसेज मैसेज कर देते हैं। सना बाहर आ जाओ, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके कर दिया यूट्यूब भाई। हाँ जानो। अच्छा तुम कितनी जल्दी फ़ौरन पहुँच जाओ। अबे यूट्यूब भाई तुमसे 15 मिनट पहले पहुँचा हुआ, परेशान नहीं हो तुम, अब गाड़ी में बैठो निकल लो। ओके ऑल द बेस्ट यूसुफ भाई। ऑल द बेस्ट तेरे को क्या बोल रहा हूँ। ऑल द बेस्ट यूसुफ भाई, कवाली दूँ तुम्हें कोई? अबे पागल है क्या तू? ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू थैंक यू। चल भाई अभी तो फुल बस ये सक्सेस हो गई ना, मजे आ जाएंगे। अरे सना का मैसेज आ गया। ओके 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 बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। चल जल्दी से पहुँचता हूँ, लेट नहीं हो जाऊँ यार, बस क्या टाइम हो गया। अरे 9:30 होने वाले हैं भाई, जल्दी इसके घर पहुँचूँ मैं। ये साला फारूक फेसबुक जैसी बातें कर रहा था ना, इससे बुरा सेटअप लगाया हुआ ना इसने, फिर मैं इसको बताऊँगा। इसकी मैंने हड्डियाँ तोड़ देनी है। 30,000 रुपये खर्च करे मैंने, ये ना पता नहीं कैसा लगवा कर आया। एक टेबल और 5-6 लाइटें और बस कुर्सियाँ, रेस्टोरेंट वाली होटल वाली कुर्सियाँ ना लगा दी हूँ। देखता हूँ अभी जाके, वरना इज्जत की बच जाएगी ना यार पूरी। मौसम भी ऐसा हो रहा है ना आज तो, नसीबों वाला भाई, फुल आशिकाना मौसम हो रहा है। हटो हटो भाई जान, आज तो यूसुफ भाई बिल्कुल नहा धोकर आए लग साबुन से। अड़िया वड़िया पी 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 पी। हटो हटो। अबे वो रेंज रोवर वाले साले ब्रेक मार ले, ना बेचारी बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरे को उससे पहले वहाँ पहुँचना है। हटो। अबे हट जाओ ना आज तो, अबे तुम्हारी तो आज जाओ जाओ, आज सब जाओ, आज सबको माफ़ी है, आज सबको माफ़ी है। अरे चलो ना हरामियों, किधर है यूनिवर्सिटी साला? यहीं गई है ना, ये वाली गली है, ये वाली गली है, ये वाली गली है। अबे मैं यूनिवर्सिटी को जा रहा हूँ, मेरे को तो यार वहाँ जाना है ना उसके घर पे। साला आज यूनिवर्सिटी का चला गया, मैं तो रास्ता ही भूल गया। अबे यूनिवर्सिटी से शॉर्टकट पड़ता है इसके घर का, यहाँ से कच्चा रास्ता है ना जहाँ से उस दिन उतरे थे, यहीं से चढ़ जाता हूँ। किधर गया वो कच्चा रास्ता, किधर गया? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। वो भी परेशान हो जाएगी, मैं इधर किधर से आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। अबे भाई गाड़ी गंदी ना हो जाए यार। अबे अबे आराम से आराम से। ओए ओ बारी, अबे क्या लग रही है यार। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम सलाम। कैसी लगी यू मैं? आपका तो जवाब नहीं है, यकीन करें माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। चलें। इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, आपने मुझे इतनी जल्दी मैसेज कर दिया, यहाँ पहुँच के मैसेज कर देते। अरे वो मैं ना थोड़ा परेशान हो गया था, मैं बस आपको, मैंने ना वैसे भी मैं 5 मिनट में ड्राइव मार कर रहा हूँ उड़ता हुआ। उड़ता हुआ आपकी गाड़ी में क्या एरोप्लेन लगा हुआ? नहीं नहीं मतलब चलें 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 आ जा। इसी में चलेंगे जी? और क्या, और किस में चलें? मुझे लगा आप आज के लिए कोई स्पेशल गाड़ी लेके आएंगे। अरे आप इसको भी स्पेशल ही समझें, नहीं है दरअसल ना मेरे पास ना, मैं आप गाड़ी में बैठे मैं आपको सुनाता हूँ सारी स्टोरी, वहीं चल के सुनाऊंगा। आ जा आए, मैं आपके लिए गेट खोल दूँ। अरे इतनी क्या वो कर रहे हैं आप? अरे अच्छा नहीं लगता ना, पहले आपको बैठना चाहिए ना। आ जा बैठे बैठे, आप बैठे। थैंक यू। बैठिया चल।
कहाँ जाना है अब हमने? अरे दरवाजा बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, बंद नहीं हो रही है। अरे यार ये ना बस ये अभी मैंने फारूक भाई को दे दी थी ना, फारूक भाई के यही काम है, फारूक भाई तो कुछ सही नहीं होता। चले बैठिए, अब ये फिर खोलूंगी मैं, फिर बंद हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, वो मैंने जोर से करा है ना। ये आपकी नई गाड़ी और इतने मसले कर रही है। अरे ये मैं ना अपनी चीजें किसी को देता नहीं हूँ, इस वजह से नहीं देता कि वो दूसरों के हाथ में जाती है ना, वो पता नहीं वो अपनी समझ के नहीं चलाते ना लोग। हाँ ये होता है, मैं जब भी अपनी गाड़ी बांध को देती हूँ ना कुछ करके ले आता है वो। हाँ ये होता है। वैसे अब ये बताएं जाना किधर है? ज्यादा दूर नहीं, मेरे घर के पास ही। आपके घर पे पास मतलब? वहाँ पे मतलब डिनर के लिए ना मैंने वहाँ पे स्पेशल करवाया था। अच्छा ऐसा क्या स्पेशल? आप चल के देख लीजिएगा, वैसे सच्ची बताओ ना तो मुझे भी नहीं पता क्या ऐसा क्या, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक। अच्छा जी जी, इसी बहाने में आपको घर भी दिखा दूंगा अपना। अच्छा हाँ मैं आपका घर भी देखना चाहूंगी। घर पे कोई मतलब मसला तो नहीं हुआ कि आप इतनी लेट नाइट बाहर जा रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने घर पे कह दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ यूनिवर्सिटी की। ओह अच्छा, मतलब झूठ बोला आपने। हाँ तो इतनी रात को और मैं आपके साथ जाऊंगी तो झूठ बोल के जाऊंगी ना घर पे। हाँ ये भी है, वरना घर वाले निकलने ही नहीं देंगे। हाँ वैसे भी लड़कियों को कहाँ निकलने देते इतना। अरे नहीं नहीं यहाँ ही पे है बस, वो वैसे नहीं है, आराम से चलाएं। अरे और कितने आराम से चलाओ, ये तो मैं आपको आपके साथ भी इतनी आराम से चला रहा हूँ, वरना मैं गाड़ी इतनी आराम से चलाता नहीं हूँ। अच्छा तो मतलब कैसे चलाते हो? अरे बहुत स्पीड में, मैं तो फुल ड्राइवर हूँ, एक टाइम पे मैं गाड़ियों की रेसें भी बहुत जीता हूँ लॉस सैंटोस में। अच्छा जी, मैंने तो रेसों में घर भी जीते हैं। ये वाला घर भी रेस? नहीं 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 नहीं, ये तो अपना ये वाला घर है, ये देखें। अरे वाह घर तो आपका काफी अच्छा है। ये देखें ये वाला घर है, कैसा लगा आपको? घर तो काफी अच्छा है आपका। इसके बाद बाद में आप यही आने वाली है? क्या क्या मतलब? मेरा मतलब ये वो कभी तो आएंगी आप, जैसे उस दिन आपके घर पे आए चाय पीने। हाँ वो हाँ फिर कभी है ना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। वैसे बाहर कलर नहीं हुआ क्या? अरे नहीं ये डिजाइन है, मैंने खुद करवाया था। अच्छा चले आ जा। चले किधर जाना है हमें? यहीं पर ये बीच पे, मुझे भी नहीं पता, मुझे वो मेरा एक दोस्त है फारूक, उसने बताया कि यहीं कहीं पार्किंग के बराबर में वो कहीं लाइटें जल रही हैं, वहाँ पर जाना है। अच्छा हाँ मुझे खुद नहीं पता किधर जाना है मैं। आप कन्फर्म तो कर लेते पहले। अरे यहीं कहीं है, आप परेशान क्यों हो रही है? वैसे जब तो गाड़ी में ही घूम रही है ना। नहीं मैं मतलब हम कुछ नहीं, मेरे ख्याल से उधर कहीं है, वहाँ पे लाइट जलती मुझे नजर आ रही। अरे वहाँ तो समंदर है। हाँ तो वहीं तो लगवाया मैंने। अच्छा हाँ स्पेशल फुल, ये देखें। अरे वो रे फारूक भाई, अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। ये तो वही है ना जो आपके शोरूम पे होते हैं? हाँ ये वही है, इसी ने तो करवाया, ये ऑल इन वन बंदा। अच्छा जाओ जाओ यूट्यूब भाई। हाँ जा रहा हूँ, ये देखें वाकई में फारूक भाई ने खर्चा कराया। अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे यार देखें हमारी फर्स्ट मतलब डेट मेरा मतलब डिनर है एक साथ, तो इसलिए इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना। और पढ़ना क्या चाहिए, मैं तो ऐसे ही बंदा हूँ भाई, मैं बस ना बस जो चीज़ पसंद आ जाए ना तो फिर दिल खोल के मैं उस पर खर्चा करता हूँ। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं आपको पसंद आ गई? मतलब नहीं नहीं मैंने ऐसा कब बोला, मतलब तो आपका कहने का यही है। आजा 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 साला, वाकई में फारूक भाई ने इतना खर्चा कर दिया, कैसी लगी आपको? अरे बहुत ज्यादा, मतलब किसी ने भी आज तक मुझे ऐसा डिनर नहीं करवाया। मतलब आप इससे पहले भी किसी के जा चुके? अरे नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब हम फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं ना तो मतलब यूसुफ थैंक यू सो मच। अरे अभी तो बहुत कुछ है, आजा 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 बैठे। और जो आपने ये लोकेशन देखी है ना, वैसे अभी फौरन खाना खाना है? नहीं नहीं अगर आप चाहें तो हम खड़े होके बैठ के बातें भी कर सकते हैं। वैसे आपने जो ये लोकेशन देखी है ना बहुत प्यारी है, और ये सामने समंदर है ना, इसने तो मेरा दिल चुलूट लिया। और मैंने आप क्या
मैं वो पूछा था। हाँ काफी अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। और सच्ची बताओ ना तो मैंने भी अभी तक जगह नहीं देखी थी। हाँ वही तो, मुझे आइडिया नहीं था क्या, मैं तो समझा किसी रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे। अरे नहीं नहीं मुझे ये मेरे दोस्त ये बोले थे रेस्टोरेंट में ले जाओ। मैंने बोला नहीं भाई, तुम्हें पता यूसुफ भाई ना बस एक स्टैंडर्ड वाले बंदे हैं, तो देख अब अच्छा लगेगा आप फर्स्ट टाइम मुझे मिली और मैं आपको किसी रेस्टोरेंट में ले जाऊँ। रेस्टोरेंट में आपको पता है भीड़ भाड़ और फिर डिनर ऐसे थोड़ी होता है, हमें आपस में एक दूसरे से बात करनी है। लेकिन आपने जो है इधर बहुत खर्चा कर दिया। अरे आप जितना सोच रहे हैं उतना खर्चा नहीं हुआ है, इतना कोई स्पेशल थोड़ी हुआ। देखें अभी मेरे लिहाज से तो अभी इधर कुछ भी नहीं लगा इतना कुछ। तो आप और क्या लगाना चाहते हैं इधर? नहीं नहीं मतलब बहुत कुछ लग गया वैसे तो देखा जाए तो। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ आपको। आजा आजा थोड़ा समंदर के बाद चलते हैं। चले काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यकीन करें आप। हाँ वो आपके लिए तो करवाया मैंने, है ना? थैंक यू सो मच यूसुफ। अरे बस बार बार नहीं कहे देखें, और थैंक यू कहना ना छोड़ ही दे मुझे। अच्छा ऐसा क्यों? अब अच्छा थोड़ी लगता जो चीज़ पसंद हो और फिर उससे बार बार तारीफें सुनो अपने लिए। मतलब आपको क्या बताऊँ अब मैं, हम डिनर करें। इतनी जल्दी क्या भूख लग रही है आपको? नहीं नहीं मतलब भूख नहीं लग रही। आपने सबसे पहले ये अपने जो कन्फ्यूजन होती है ना आपको, ये आप ये छोड़ दें बिल्कुल। अरे वो धीरे धीरे छूट ही जाएगी अब आपसे। देखें पहले पहली बार मिला तो कैसे बात कर रहा था, और जब अब हल्के हल्के थोड़ा खुल रहा हूँ ना मैं। हाँ ये मैं नोट कर रही हूँ, हल्के हल्के खुल रहे हैं। समझ गई आप। फारूक भाई वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ना सिक्योरिटी गार्ड भी वही बने हुए, और आज के वेटर भी यही है। अच्छा हाँ ये वेटर भी हैं, इन्होंने पूरी प्लान करवाई है, मुझे भी नहीं पता था। इन्होंने बोला यूसुफ भाई मैं करवा दूंगा बस पैसे दे देना। ऐसा में एक चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। कोई चीज़ कमी हो गई? नहीं नहीं फिर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। एक तो मैंने देखे आपके लिए खर्चा करा, और अब बार बार ना मुझे ये मत बोलना। देखिए अगर वो होता है मुझे पता है लड़कियाँ बोलती हैं कि बहुत खर्चा कर दिया ये वो फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं नहीं सच्ची में अब आपके लिए ना खर्चा कुछ भी नहीं आगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा हाँ। और आप मुझे ये आप करके क्यों बात करते हैं, आप तो मुझसे बड़े। तो मैं तुम बोलूँ अच्छा थोड़ी लगेगा, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना लड़की को। हाँ ये भी अच्छी बात है, है ना? वैसे वो जो सामने वो लगा है ना स्टैचू, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वो वाले ना। हाँ चल के देखें। आ जाए फ्लावर्स भी अच्छे हैं, और ये जो पिंक कलर के उन्होंने ये डायमंड रखे ना, मतलब तो काफी अच्छा है ये। अच्छे लग रहे हैं सच में, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ भाई इसमें लाइट्स होती तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप बोलो तो बत्तियाँ भी लगा देंगे। क्या मैं क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। आप ना बहुत ना मतलब कुछ कुछ अल्फाज ऐसे दबे दबे बोल लेते हैं, मुझे समझ नहीं आते। अरे नहीं मैं तो ऐसी बातें जो है ना अच्छा आप इग्नोर कर देती हूँ ज़्यादा अच्छा। अच्छा जी चले। वैसे ना फारूक भाई से पूछिएगा ये। क्या पूछूँ उनसे? कि उन्होंने किससे पूरा डेकोरेशन करवाया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी, मेरा तो सपना है कि मैं वो मतलब वो होते ना इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सटीरियर डिज़ाइनर, मेरा तो बहुत ज़्यादा सपना है कि मैं ये काम करूँ। अच्छा अरे इंशाल्लाह वो भी करा देंगे हम, आप मेरी ज़िंदगी में तो आए। टेबल तो फारूक भाई ने ऐसी लगाई है कि पूछे ही नहीं। हाँ ये भी ज़्यादा अच्छी है, जो ऊपर लैंप्स लगाए ना, और जो मौसम हो रहा है ना आज का यकीन करें सच में ना। मैं तो खुद यही अभी आते हुए सोचा था कि आज मौसम भी नसीब का हो रहा है इतना आशिकाना। आशिकाना हाँ ना, देखें बादल ही बादल, बादलों की आवाज़, समंदर का पानी और कुछ नहीं, कोई मच नहीं। लेकिन इससे पहले आपने क्या कहा? किससे पहले? मौसम कैसा हो रहा? आशिकाना। अच्छा हाँ ना, ज्यादा ही आशिकी नहीं चढ़ रही आपको? मैं थोड़ा भय जाता हूँ ना मैं आप। समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। चले आजा आजा बैठे बैठे। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज आप खूबसूरत कितनी लग रही हैं। अच्छा नज़र लगाओगे क्या? अरे नहीं नहीं अल्लाह ना करे आपको नज़र लगे। देख तो ऐसे ही रहे आप। अरे नहीं नहीं मैं तो सदका दूँ रोज आपका। अच्छा और कुछ? हाँ ना इतनी अनमोल चीज, ऐसे आप एक बात बता सकती हैं? पूछें। आप अपनी स्किन पे क्या लगाती हैं? क्यों नहीं इतनी सॉफ्ट
आपने मुझे कब टच करा? नहीं नहीं, देखने से अंदाजा हो रहा है ना, ये नरम मुलायम रुई जैसी स्किन, ये लड़कियों की स्किन भी क्या चीज है ना यार। हम लड़कियां जो है ना अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन आप जैसे लड़के नहीं रखते। हम लड़कों को क्योंकि पूरा दिन बाहर धूप में घूमना होता। आपको कौन सा धूप में घूमना होता, आपका तो शोरूम है, तो आप ऑफिस में रहते हैं। तो आउटिंग काम नहीं होते शोरूम में हैं? हम लोगों को 10 बंदों के मुंह लगना पड़ता है, और वो भी लड़के। अब 10 बंदियां मुंह लगे ना तो फिर समझ में भी। अच्छा 10 बंदियां? नहीं मतलब काम के तौर पे, वैसे नहीं। हाँ हाँ सब समझ रही हूँ मैं। अरे आप गलत समझ रही हैं। और बताएं आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब जो है ना गवर्नमेंट अफसर हैं। ओह मतलब फुल। हाँ अभी तो रिटायर हो गए वो। मतलब वो उनकी पेंशन वेंशन पे है अभी आप? हाँ ऐसा ही समझ लें। लेकिन क्या हमारे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं तो वैसे ही बोला, पेंशन आती ना रिटायरमेंट के बाद। वैसे वो काम क्या, गवर्नमेंट में कौन थे? वो जो है ना DSP थे पुलिस में। पुलिस में DSP थे? हाँ जी। फिर तो वो माइकल भाई को ज़रूर जानते होंगे। हो सकता है वो इनको जानते हों। हाँ ना, क्योंकि माइकल भाई जिमी का अब्बा ऐसा है कि उसका पूरा शहर जानता है। आप किसी भिखारी से ही पूछेंगे ना तो वो बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ। आप यहाँ पे मुझसे उनकी बातें करने आए कि अपनी? अरे मुझे तो मौका चाहिए मैं बात करने का। हाँ हाँ वही मौके आप देख के ना कुछ बोल देते हैं और फिर मैं फिर इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा मैंने ऐसा क्या बोल दिया? कई दफ़ा ना मैंने सिर्फ इग्नोर करा है बोल के कि क्या मतलब ये सब। हाँ आप ये अल्फाज बड़ा यूज़ करती हैं, क्या मतलब? अरे तो जब मैं आपकी बात इग्नोर करूँगी या फिर मैं सुनूंगी नहीं सही से तो मैं यही कहूँगी ना कि क्या मतलब। हाँ ये भी है। और सुनाए आपके सिबलिंग्स कितने? मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। वो सिर्फ मेरा चाचा है, वो भी 1 साल पहले आ गया, वरना वो भी पाकिस्तान में था। अच्छा आपका कोई भी नहीं है? नहीं मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था ना लॉस सैंटोस में, तो सबसे पहले मैं काम करता था अपनी एक मैकेनिक का काम करता था मैं। अच्छा। हाँ मैं किसी की दुकान पर काम करता था, फिर मैं जिसकी दुकान में मैंने 4 साल काम करा मैंने उसी की दुकान उससे खरीद ली। अच्छा जी आपने इतना कमा लिया उसकी दुकान से? अरे नहीं नहीं वो मैंने थोड़ा बैंक से लोन लिया। मैंने बोला यार अब बस ना किसी के अंडर काम नहीं करना, बॉस बनना वो भी खुद। हाँ अच्छी सोच है। वैसे भी ना जॉब जो है ना इंसान को ख़त्म कर देती है ना, इधर का ना उधर का, बंदा उठे जॉब आए खाए पिए सो जाए फिर सुबह जॉब। हाँ ना अभी आपका अपना शो है ना तो आप थोड़ा ईजी चिल्ड माइंड रहेंगे। नहीं नहीं काम तो इसमें भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्या अपना है। हाँ ये भी है। अपना किसी के सुनने वाली नहीं, सुनने की नहीं होती कि बस अपना है, अपना खुद ही चलाना अपनी सुननी है। हाँ यही तो। फिर और सुना फिर आगे आप कैसे आए यहाँ तक? फिर क्या, फिर वो 3 साल मैंने वो दुकान चलाई, उसके बाद जो है मैं ये जिमी मेरे को मिल गया, फिर मेरी इससे बातचीत हुई, और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने कारोबार शुरू करे धीरे धीरे धीरे। फिर मेरा एक और शोरूम फिर मैंने लिया, वो मैंने बेच दिया यहीं अपना ये बीच के कोने पे था। अच्छा 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 समझ गई। मैंने एक दफ़ा देखा था बहुत बड़ा सा था। हाँ वो ना उधर आग वाग लग गई थी तो वो ख़राब हो गया। अच्छा कैसे? वो बस छोड़ें अब, नुकसान हो गया था। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने एक और ये PDM ख़रीदा, तो ये चलता रहा मेन रोड वाला जब घर के करीब है। फिर ये वाला जो PDM है ना जिसमें अभी आपने जिससे मुझसे गाड़ी ली है जी, ये जो है ना जिमी के फादर साहब का था। अच्छा फिर? फिर उन्होंने जो है ना जिमी को दिया, तो जिमी और मैं हर काम में पार्टनर रहते हैं, क्योंकि संभालता मैं हूँ, वो खाली नोट गिनती करता है। ओह उसको काम नहीं आता? नहीं नहीं उसको काम नहीं आता, वो ना उसको काम करने का शौक ही नहीं, वो बोलता बस मेरे को पैसे दो। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मेरा भी काम लग जाता उसका भी। इसका मतलब ये है तो वैसे जिमी का, लेकिन अभी आप दोनों का है? हाँ अभी हम दोनों का है, यानी 50-50 के पार्टनर है? नहीं 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 40-40 के, नहीं 45-45। तो 10% किसका? वो उसके अब्बा का। ओह अच्छा। उन्होंने दिया ये, उन्होंने बोला भाई अब मेरे को 10% दे देना बस। उनके काफ़ी बिजनेस हैं। और आप सुना आपके कितने भाई बहन हैं? मेरा एक ही भाई है इकबाल छोटा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इकबाल वैसे क्या काम करता? इकबाल तो अभी कुछ भी नहीं, बस आवारा गर्दी करता रहता है, रात रात भर ना घर से निकला रहता है, सुबह सुबह आता है घर में। मैं जब यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ ना जब आता है वो घर में। हाँ लड़का भी जवानी छाई हुई ना उस पर। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही था, मैं बड़ा घुमा मोटे के साथ 70 पे फट 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 फुल। अच्छा जी फारूक भाई को तो बोला, फारूक भाई इधर आओ फारूक भाई। आ रहा हूँ यूट्यूब भाई, आ रहा हूँ। अबे यूट्यूब अबे गिरता भाई। हाँ यूट्यूब भाई
फारूक भाई एक बात तो बताओ। हाँ यूट्यूब भाई बोलो बोलो। यूट्यूब भाई अबे क्या कब तक भाभी को देखते रहोगे, इधर ही बोल दो। यूसुफ उधर। हाँ फारूक भाई वो मेरे को ये बताओ कि खाने में क्या क्या। यूट्यूब भाई देखो मटन है, कीमा है, आलू है, पाया है, पराठा है, अंडा पराठा, अंडा पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, चेरा पराठा, मेरा पराठा, चिकन पराठा, पीला पराठा और कढ़ाई है, नान कढ़ाई, मटन कढ़ाई, नान रोटी, चपाती, टिक्का, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, रोल, मेरा रोल, इसका रोल, सबका रोल और चिकन रोल, कबाब रोल, मायो रोल। अबे भाई अलका तुमने क्या सभी रख लिया? हेलो यूट्यूब भाई तुमने बोला था कि किसी चीज़ की कमी ना हो। ये तो चलते फिरते रेस्टोरेंट है। नहीं नहीं हमारे यूट्यूब भाई ने हुक्म दिया है और भाभी आप आए तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि किसी चीज़ की कमी हो जाए। शाबा फारूक भाई आप क्या खाएंगी? जो बेस्ट हो आपकी कुछ तो फेवरेट डिश होगी। जो बेस्ट हो मैं ना नखरे वाली लड़की नहीं हूँ तो जो बेस्ट है बोलिए। भाभी बता दे शर्माई नहीं बता देना सना। अरे कुछ भी भाई आप जो मांगे हैं वो आप वो मंगवा लें। अच्छा मैं तो फिर दो तीन आइटम खा जाऊँगा। कोई बात नहीं मैं आपके साथ दो तीन आइटम खा जाऊंगी। भाभी बड़ी तफरी वाली है तुम ज़्यादा फ्री नहीं हो। अच्छा सॉरी यूसुफ भाई। क्या हो गया यूसुफ? ये नहीं नहीं अच्छा ये बताओ ड्रिंक्स में क्या है? ये यहाँ पे वाइन की बोतल क्या कर रही है? फारूक भाई ये तुमने क्या रखवा दिया? अबे मेरे भाभी वो नकली है, नकली है, ऐसी शोपीस के लिए रखवाई है। वो कोल्ड ड्रिंक आया है, कोल्ड ड्रिंक है। तुम बताओ ड्रिंक में क्या? यूट्यूब भाई 7 अप है, ड्यू है, स्प्राइट है, पेप्सी है और वो क्या कहते हैं स्टिंग है, सिलाइस की बोतल है, पाकुला की बोतल है, सिलाइस की बोतल और कैन भी है, बियर के कैन भी है और नेस्ले की बोतल भी है, पानी की बोतल भी है, एकोफिना भी है और साल्टा भी है। अबे भाई तुम क्या सब उठा के लिया है? यूट्यूब भाई तुमने बोला कि जिसकी कमी ना हो भाई। एक काम करो शेक कौन कौन से? यूट्यूब भाई स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी शेक है, बनाना शेक है, एप्पल शेक है और कौन कौन से शेक, सारे शेक है। बट तुम आगे बताओ तुमको चाहिए कौन था? मेरे लिए तुम ले आओ एक ऑरेंज जूस। क्या भाभी आपके लिए? मेरे लिए आप स्ट्रॉबेरी शेक। क्या खाने में यूट्यूब भाई? खाने में तुम्हारे जो तुमने जहाँ से खाना बनवाया ना उसको फ़ोन करके पूछो कि बेस्ट आइटम क्या, बोल आओ। अरे मतलब मैं भी ज़्यादा नखरे वाला नहीं हूँ, मैं भी बस शुक्र करके सब खा देता हूँ। अच्छी बात है सही है यूट्यूब भाई फिर देख लो ले आऊं। हाँ 3-4 आइटम जो बेस्ट है वो ले आओ। ओके यूट्यूब भाई चलो भाई। यूट्यूब भाई ने बोला भाई किसी चीज़ की कमी ना हो तो इस वजह से सारे आइटम रखवा दिए मैंने। फोन करके पूछू हरामी के बच्चे से कामरान गंजे से, वही कैटरिंग वाला था। फारूक भाई क्या बजाते हो तुम यार, कभी क्या स्टॉप पे खड़े होते थे? अरे यूसुफ कैसे बोल रहे? अरे इनसे मेरा मजाक चलता रहता है। और बताएं खाना कैसा था? खाना तो मैं यकीन बताओ ना मैंने सच्ची में ना इतना अच्छा खाना नहीं खाया। अरे आप कहीं घूमने नहीं गई क्या? अरे मतलब गई हूँ, मतलब यहाँ पे बैठ के ना हर चीज़ अच्छी लग रही है। एक तो आपने जगह इतनी अच्छी सिलेक्ट करी, ऊपर से भी डेकोरेशन। हाँ ये तो है, फील ही अलग आता है ना फिर। यही तो। और बताएं आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं क्या बोलूँगा? नहीं मुझे लगा फिर जिमी ने आपको कुछ समझा के भेजा हो। नहीं उसने भाई यही बोला था कि आपसे मिल के खाना वाना डिनर और क्या। वैसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछें। ये इतना कुछ डिनर और मेरी हर बात सुनना। मैंने आपकी कब बात सुनी? सुन ही रहे हैं अभी आप, और क्या कर रहे हैं, मेरी हाँ में हाँ करते रहते हैं आप। अच्छा पूछें आप। ये डिनर पे ले जाना और दो तीन दफा तो मैंने आपकी बात इग्नोर करी सुन के। कौन सी बातें? वो आप रहने दें तो ये सब इतना कुछ क्यों? अरे ये तो दोस्तों के साथ डिनर नहीं कर सकते? ऐसा डिनर इतना लग्जरी और वो बीच में कैंडल लाइट डिनर। कैंडल तो है ही नहीं, लाइट ही लाइट है, कैंडल बीच में दो जल रही है बल्ब वाली। जो भी है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दें। अरे तो करा नहीं सकते क्या आप? तो पता नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, मुझे तो पता आप क्यों कर रहे हैं ये सब। अच्छा बताएं जरा। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अरे नहीं बस ऐसे जनरल नॉर्मल ही बस, और कुछ भी नहीं है। लेके नहीं जा सकते क्या ऐसे किसी दोस्तों? मैं तो जिमी को ले जाता हूँ कभी कभी। अच्छा जिमी को, लड़की नहीं मिली तो जिमी को ले जाते हैं? हाँ अच्छा चले मैं मान लेती हूँ। मैं समझी कि आप शायद से मुझे क्या आप क्या समझी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, रहने दे। नहीं नहीं बताएं बताएं। नहीं कुछ भी नहीं। आप समझी मैं आपको पसंद करता हूँ? हाँ यही तो। आप बिल्कुल सही समझी। क्या
आ गए ना, सच सच बोल। नहीं 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 नहीं, वो तो अभी फिलो में बस ऐसे मुंह से निकल गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो तो आप समझ रही है ना ऐसा। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखते हैं फिर। वरना इतना खर्चा तो किसी दोस्त भी नहीं करता, पता है? अरे भाई, मैं हूँ खुले दिल का बंदा, मैं नहीं सोचता कौन दोस्त है कौन नहीं। हाँ वो तो मुझे पता चल रहा है, कितने खुले दिल के। मुझे तो ना एक भी एक और शक है आप पे। अब कौन सा शक है? ये जो आपने गाड़ी ली है ना, मैंने इसकी प्राइस देखी है, ये इतनी सस्ती तो नहीं है। अरे वो यूसुफ है ना, यूसुफ का कॉन्टेक्ट बहुत है। हाँ हाँ, मुझे इकबाल भी कह रहा था कि इतनी सस्ती गाड़ी कैसे मिल गई है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, मैं आपको फाइल दिखा सकता हूँ, उस पर 8 लाख ही लिखे। कितने? 7 लाख। नहीं कितने? 7 लाख। 8 नहीं बोले आपने? नहीं नहीं, मैंने तो 7 ही बोले, आपको शायद 8 सुने। 7 और 8 में फर्क नहीं ना बोलने में। हाँ चले, मैं मान लेती हूँ कि 7 लाख की गाड़ी है बस। हाँ अब माने ना माने, गाड़ी 7 लाख की है। अच्छा, और कुछ? वैसे अभी जो है ना 12 बज गए। तो क्या हुआ? मेरे घर से जब भी जैसे ही फ़ोन आएगा ना, फिर हम लोग चलेंगे। हाँ कोई बात नहीं, फ़ोन तो आने दे, फ़ोन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज की रात पूरी हमारी है। हैं, मतलब पूरी रात? पूरी रात नहीं, मतलब जब तक फ़ोन नहीं आ रहा जब तक रात हमारी है। आपको सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, मुझे सर्दी नहीं लग रही। नहीं आप अपर जैकेट वगैरह कुछ पहनी भी नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रही। लगे ना तो फिर, बल्कि नहीं। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। आप मौके में बैठे हुए कि मुझे सर्दी लगी है और आप अपर उतारे अपना और मुझे पहना है? नहीं नहीं ऐसा, अपने पास से कुछ भी सोच रही आप। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। और चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं अबे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको आपने बुलाया था क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। 2 मिनट रुके। कितना भी मौसम बच्चे बनो कर क्या रहा हो तुम यहाँ पे? चिंता की भाई, मैंने थोड़ी आने दिया है कर क्या रहे हो मेरे बेटे? हमने बोला यार वलीमा होना, तो हमें तुमने बुलाया नहीं यार। वलीमा वलीमा, तुम देखो चाचा जानबूझ के आओ ना। नहीं नहीं जानबूझ के तो नहीं, मैं तो यहाँ से गुजरा था, मैंने सामने घर से जाकर यार, मैंने बोला यार वहाँ से इतना टाइट आलीशान मौसम हो रहा है यार, कौन है कौन है ये लड़की कौन है सना है? तुम जाओ यार यहाँ से। अरे सना से, हेलो सना सना, मेरे दान के बच्चों की तरह ना यही खड़े रहो। मोटा किधर है, तुमको बताया किसने? अरे मेरे को किसी ने बताया, मैं तो घर से जा रहा हूँ। मोटा किधर है? वो तो शोरूम पा रहा है मेरे बेटे, वो तो शोरूम पा रहे यार। तुम ताले शोरूम के घर आ गए? अरे नहीं मैं बाथरूम करने आ रहा, शोरूम में बाथरूम नहीं। अरे यार उसके नाली चौक हो गए यार, जो करो बाहर आ जाता। तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ फारूक भाई, ये क्यों आया? अबे मेरे को नहीं पता, कर रहा हूँ यूट्यूब भाई। क्या हुआ यूसुफ? नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हेलो सना सना मेरे बेटे, जान के बच्चे बनो तुम, उसके बाद में ही जाना। हटो हटो, मेरे को सना से मिले, चाचा यही खड़े रहो, हटो हटो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूसुफ ने आपको बताया नहीं? यूसुफ क्या कर रहे हो मेरे बेटे? कुछ नहीं कर रहा, तुम जाओ यहाँ से। अरे खाना आप मेरे को पता, आप डिनर करने आइए, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। खाना खा लेते यार, मैं भी खा कर देखूँ। चाचा जा रहे हो कि नहीं? अरे कहा होगा मिलने तो दो। क्या हुआ यूसुफ? कुछ नहीं सना, ये जरा मैं आता हूँ, इधर आ जा। अरे कहा हो गया सना यार, अब कितनी प्यारी लग रही हो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बच्चा है। यूसुफ फटका दिया बेचारी का, साले इधर आ जा। थैंक यू सो मच चाचा। अरे नो मेंशन नॉट मेंशन वाली, हमारे बेटे इधर आ जाओ भाई, क्यों बिगाड़ने में लगा हुआ है तू? चाचा तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, इधर आ जाओ देखो। अरे तुम्हारी माँ की कसम ये करो सना, तुम्हारी माँ की कसम खा रहे। यूसुफ क्या कह रहे? अरे नहीं मैं चाचा को बोल रहा हूँ। अरे अभी तुमने बोला सना की माँ की कसम। मैंने नहीं बोला। आप यहाँ से जाए प्लीज। अरे मेरी बात, आप जाए यहाँ से। यूसुफ ये क्या चल रहा है? मैं आ रहा हूँ, इधर आओ तुम, इधर आओ। अरे क्या हो गया? ओ सना मेरी बात तो सुनो, इधर आ जाओ तुम, मारूंगा मैं। अरे मैंने क्या खड़ा, मैंने क्या खड़ा यार, इधर आ जाओ तुम। बोल मार उसका बच्चे, तुम इंसान के बच्चे, इधर आओ तुम, इधर आओ। अरे उधर किधर लेके जा रहे कोने कोने में यार, इधर आओ तुम, इधर आओ। अरे तो का बोल, तुम यहाँ से चले आओ, देखो मैं ये ना हो कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। अरे रिश्ता खराब तूने पहले कर दिया, तूने अपनी चाची को अपने मेरी बहू बना दिया और अपनी भाभी बना लिया मनुष्य के बच्चे। तुम्हारे ना मैं मुक्के मुक्के मार दूंगा, जाए ऐसा तुम देख पाओ, चाचा को बैठाए।
अरे डेट पे आओ, रिश्ता लेने आया। रिश्ता लेने भी जाऊंगा ना तो तेरे को नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, शादी में भी नहीं बुलाना, पर बच्चे भी खुद ही पैदा कर तो साले खुद ही करूंगा। तू कौन होता बोलने वाला? जाए ऐसे सही है मेरे बेटे, सही है सही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा दिन होगा। हर कुत्ते का दिन आता मेरे बेटे। हाँ निकल जाता, चल। हाँ निकटो बावला कहीं का पूरी खराब कर दी। क्या कर रहे थे वो? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही ना, वो बोला मैं, वो सामने मेरा घर है ना, बोला मैं वहाँ से देख लूँ किसी का वलीमा हो गया, मैं आ गया देखने। ये ऐसे ही इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, मैं भी बड़ा परेशान हूँ इससे। अजीब हरकतें कर रहे थे। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, टाइम क्या हो गया? चले चलते हैं, 12:30 हो रहे हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ मैं यही कहने वाली थी अभी आपको। चले चले फारूक भाई। हाँ यूट्यूब भाई। बस करो, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, आज कितनी खिदमत करो। अबे यूट्यूब भाई तुम बोलो तो पैंट भी उतार दूँ। अबे इंसान का बच्चा बन, चुप हो जा। अच्छा सॉरी सॉरी यूट्यूब भाई, भूल गया था कि थाना साथ है। चले यूसुफ। हाँ चले चले आ जा। फारूक भाई थैंक यू सो मच यार, इतना तुमने अच्छा साइड करा। हाँ थैंक यू सो मच फारूक। अबे बस भाभी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, मेरे को बोले तो मैं तो शादी का भी सेटअप लगा दूंगा अगर आप कर रहे हैं दोनों। अरे नहीं नहीं, हम दोनों शादी। हाँ बोले तो अच्छा सेटअप, बढ़िया था सेटअप लगाऊंगा एक समंदर के बीच में। मैं फारूक भाई लव हो यार, तुमने जबान की बात छीन ली। अरे नहीं नहीं भाई, चले यूसुफ। ओके 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 फारूक भाई, तुम जल्दी आ जाना। ओके यूसुफ भाई आ जा सना। चले बैठे बैठे। सच्ची सच्ची मैं एक बात बताऊं आपको? जी बताएं। मजा आ गया मुझे आज। थैंक यू सो मच। अरे मैं ना अभी यही पूछने आ रहा था कि आपको सब कैसा लगा। अरे बहुत अच्छा था पूरा सेट, मतलब मुझे पता ही चला हम लोगों ने कितने 2.5 घंटे साथ गुजार दिए। हाँ मुझे भी सच में पता नहीं चला। और आप कितनी बातें करते हैं। अरे वो तो ये मैं तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम मिले ना तो। नहीं नहीं आप सच में, आप मुझे पता है आप मेरे सहने वाले किसी और से भी ऐसी बातें करते होंगे। और अच्छी बात है सामने वाला बंदा ना थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाता है आपसे। अरे आराम से। सॉरी मैं भूल गया था कि आप मेरे साथ बैठी हैं। इतनी बुरी तो गाड़ी चलाते हो? हाँ मैं देखा, मैं ऐसे ही चलाता हूँ गाड़ी, और मैं तो अक्सर गाड़ी ठोकता रहता हूँ। अच्छा जी, लेकिन संभल के चलाया करो, ख्याल रखा करें आपका। ख्याल रखने वाली नहीं है कोई। तो आ जाएगी ख्याल रखने वाली भी, पता नहीं कब आएगी, हम तो लाना चाह रहे हैं। अच्छा जी बहुत जल्दी है आपको। अब इस उम्र में भी नहीं आएगी तो कब आएगी? अरे मेरे ख्याल से मैं रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया आप कहाँ का? सही तो जा रहे हैं आप? अरे हाँ सही जा रहा हूँ, मैं गली नहीं मेरे को याद आई। हाँ सही तो जा रहा हूँ मैं। ये रहा ना आपका यूनिवर्सिटी। हाँ सही है, आपका घर तो यहीं से भी दिख जाता है। हाँ अरे इकबाल की कॉल आ गई देखा। अरे अब तो पहुँचने वाले हैं, अब क्या उठाना कॉल। ये आ गया फिर गली, बाहर तो नहीं खड़ा होगा, बाहर खड़ा होगा कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं नहीं कुछ भी मसला नहीं होगा, वैसे वो घर पे होगा ही नहीं मुझे पता, वो जरूर ना मुझसे पैसे मांगने के लिए मुझे कॉल कर रहा होगा। वो आपसे पैसे लेता है? अरे बहुत, मैं काम वाम नहीं करता, कोई जॉब वॉब है उसके लिए? जॉब तो है लेकिन पता नहीं करे नहीं करे, जैसा आप मुझे बता रही हैं उसके बारे में। जॉब तो बहुत। हाँ यही तो डर रहता है, इतनी जॉब वो छोड़ के बैठा हुआ है। हाँ वही तो। अरे गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, किस फरारी? अरे हाँ ये ना बस पापा की दोस्त की है, उनके बेटे की, यहाँ पे खड़ी करवा देते हैं वो। अच्छा उनके पास क्या पार्किंग नहीं, इतनी महंगी गाड़ी ले ली और पार्किंग नहीं? अरे बस ऐसे ही है, लोग तो ना इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं। चलें फिर मैं चलूँ। जा रहे? आप बोले तो रुक जाता हूँ। आपकी मर्जी है। नहीं अगर आप बोले, मेरी मर्जी क्या, अभी आप कह रही थी ना कि मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप बोले तो क्या रुक जाऊँ हैं, मैं बोलूँगी तो सब काम होंगे। हाँ क्या वो? नहीं कुछ भी नहीं। मुझे पता है आप नहीं रुकेंगे इस टाइम, क्योंकि आप मुझे तंग करना नहीं चाहते। हाँ यही तो, आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और आपने मेरी बात मान के मेरे साथ डिनर में उसके लिए भी थैंक्स। आप मुझे मना कर रहे हैं कि मैं आपको थैंक्स ना कहूँ, और आप खुद कह रहे हैं अब ये नहीं कहेगा कि मैं आप इज्जत कर रहे हैं। आप तो इज्जत तो कर रहा हूँ ना, कहना चाहिए ना फिर भी। चल थैंक यू सो मच, सच्ची में ना मुझे आज बहुत मज़ा आया। बस यही तो सुनना चाह रहा था, पैसे वसूल। ओके अल्लाह हाफिज। और जिमी को भी थैंक्स बोल लीजिएगा कि उसने आज हमारे लिए इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी बात उसने आपके दिमाग में डाल दी थी। हाँ उसको तो मैं अलग से ट्रीट दूंगा। चले ओके अल्लाह हाफिज। ओके बस यही तो तुम्हारा भाई सुनना चाह रहा था, ये इसको सब अच्छा लगे।
अरे बारी घड़ी में भी तक अब तो चला जाऊंगा मैं। ये चाचा हरामी के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं, देखते जाओ तुम। तुम लोग तो बस फारूक भाई ने यार क्या सेटअप करा था, दिन बना दिया फारूक भाई ने तो यार। मेरे को बोल लिया कि आप ड्राइविंग सही नहीं करता था, उसको क्या पता उसको क्या पता, लेकिन यार बस समझ गई थी वो कि मैं उसको पसंद करता हूँ। हाँ ताकत तो पूरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अचानक से ना उसके मुंह से निकलेगी बात ना मेरे मुंह से। भाई हिम्मत चाहिए इस बात के लिए यार, जो बात है चाचा हराम। फारूक भाई तो साले बहुत ही कंजर है, उनको भी आने दो, एक गलती उन्होंने कर दी वहाँ पे।